बारेल कटाया है। चलो अर्शद अरुण साहब अपना प्रेजेंटेशन बंद करें। अर्शद अरुण साहब अच्छा ओके दिख रहा है ना सबको। जी माशाल्लाह सेंचुरी हो गया ओके 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 चलो। अस्सलाम वालेकुम। सर। आज की जो हमारे टॉपिक है, इट्स हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमको ऐसा लगता है हर टॉपिक की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हम लोग थोड़ा सा बातें करेंगे कि व्हाट डिजोर्स यूनानिमी स्किन डिजोर्डर्स की क्या अप्रोच है, हाउ वी विल मैनेज स्किन डिजीज। क्योंकि खुद ये मान लेते हैं कि स्किन में ज्यादा दवा नहीं है मोड में, तो आयुर्वेदिक बेसिकली स्किन डिजीज। जानने से पहले स्किन, भले वो मॉडर्न का हो स्किन, यूनानी का हो स्किन, स्किन ही है, उसमें दो किस्म की स्किन नहीं, ट्रीटमेंट और कंसेप्ट अलग है, लेकिन स्किन बेसिकली। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन स्किन के बारे में हमको मालूम है। स्किन बेसिकली हमारे जो कवरिंग है, जो तकरीबन अगर हमारे स्किन को छील कर अगर इस्त्री करके अगर प्लेन कर दिया गया एक एक फर्श पे, तो तकरीबन 20 स्क्वायर फीट उसकी, मतलब स्क्वायर फीट एरिया रहती है उसकी, जो एरिया 20 स्क्वायर फीट बोले तो 2 बाय 10 का टाइल, अगर 2 टाइल का 10 टाइल बिछा दिया गया एक कमरे में, उतनी एरिया रहती है अपनी पूरी स्किन की फैलाव। और इस स्किन का बनावट तो एनाटॉमी हमने भी पढ़ा, एनाटॉमी उन लोगों ने भी पढ़े, हमारे असातिदा या हमारे उस्ताद भी या हमारे जो हुक्मा भी, बहुत लोग ने जाली न्यूज़ वगैरह स्किन के बारे में तफसील से पढ़ा है, लेकिन ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए थे। तो एक होता है एपिडर्मिस और एक डर्मिस और एक हाइपोडर्मिस, बोल के सरसरी तौर पे तीन, मतलब पढ़ने के लिए हमने उसको ब्रांड ये बनाया, यानी कि लेस। और एपिडर्मिस में जरा जस्ट कवरिंग रहते हैं, कुछ मेलानिन पिगमेंटेशन सब रहते हैं, डर्मिस में हमारा सीबम सेक्रेट होते हैं, और ये मैं खाली फ्रेश कर रहा हूँ जो पढ़े थे ना इसमें, और हमारा एयर फॉलिकल हो गया और एरेटर मसल जो हमारे रूठे खड़े हो जाते हैं, ये सब मसल इसमें रहते हैं सेकेंड लेयर में। थर्ड लेयर में हाइपोडर्मिस में मसल और थोड़ा सा उसके रिलेटेड कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं। तो स्किन एक एक्चुअली बहुत एक बड़ी चीज है, लेकिन हम उसको अहमियत नहीं जानते स्किन की अहमियत की। तो ये मॉडर्न में अकेमिया फिजिक्स एनाटॉमी और मॉडर्न में फिजियोलॉजी के हिसाब से या उसकी फंक्शन के हिसाब से यूनानी और मॉडर्न में भी ज्यादा उसमें फर्क नहीं है। स्किन इज बेसिकली ये प्रोटेक्टिव कवरिंग करता है, जैसे बहुत सारे फिजिकल थर्मल मैकेनिकल चीज को, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, एक फंक्शन ये है। स्किन इज वन ऑफ द बिगेस्ट, हवा से हम सब बात करें, यानी कि हमारा सेंसरी ऑर्गन में से सबसे बेहतरीन, जो प्रेशर हो टेम्परेचर हो इस चीज को नापने के लिए आप मालूम करने के लिए एक बहुत बड़ा एक आजा है इंसान के अंदर। और दूसरी एक चीज, एक मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करता है स्किन। स्किन बेसिकली इट प्रोड्यूस विटामिन डी वगैरह सनलाइट की मदद से। एक मैं ज्यादा तफसील से नहीं जाना चाह रहा, स्किन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के हिसाब से इतना ही है, उसकी सरसरी तौर पर हमने तो पढ़ चुके। और मॉडर्न में जो डर्मेटोलॉजी की बात करते या स्किन की बात करते, स्किन के अमराज जो बात करते, आप देखते होंगे सबसे ज्यादा पेशेंट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास इसलिए जाते हैं कि ये कॉस्मेटिक इश्यू भी आते हैं स्किन के वजह, क्योंकि पब्लिक को दिखता है वो, बाकी कोई बीमारी, अगर मेरा दिल खराब है, दिमाग खराब है, या मेरा जिगर खराब है, या मेरा मैदा खराब है, तो दुनिया नहीं देखता, नहीं उसको दुनिया, उसको दुनिया को उसको मालूम नहीं पड़ता। मतलब ये जो अगर स्किन में कोई इश्यूज आ गए तो ये एक बड़ा कॉस्मेटिक इश्यू है, बाकी लोग देखते करात से कैसी कैसी नजर, तो पब्लिक जल्दी
या किसमें आया, तो हाथ मिलाने में अपने को प्रॉब्लम होता है, या किसी के सामने जाने में, या शादी में, फंक्शन में, सोरियासिस हो गया, ये हो गया, तो ये सब लेके जाने में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्किन के मामले में इंसान वेरी इमोशनल रहते हैं, बहुत सेंसिटिव रहते हैं, कुछ भी अगर रैशेस निकल के तो जल्दी डॉक्टर के पास भागते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना, सबसे ज्यादा एमडी में सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं स्किन स्पेशलिस्ट। ओके, अब मॉडर्न के हिसाब से, मैं मॉडर्न की बात खत्म करके अपन, क्योंकि मॉडर्न की बात मुख्तसर है, इसलिए मैं यूनानी में पल जाने से पहले मॉडर्न की बात करना चाहता हूँ। सो बेसिकली मॉडर्न के हिसाब से व्हाट आर द स्किन डिजीज अगर पूछे, तो एक मुख्तसर कॉम्बिनेशन बता सकते हैं, जैसे कि हमने कहते हैं कि कोई भी इंफ्लामेटरी डिजीज का हम लोग कहते हैं, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस है, फेरिंजाइटिस है, या ब्रोंकाइटिस है, या आर्थराइटिस है, या हेपेटाइटिस है, या नेफ्राइटिस है, या एंसिफलाइटिस है, कोई भी इंफ्लामेटरी कंडीशन को हम लोग टिस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। वैसे एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है डर्माटाइटिस। अगर आप स्किन की कोई डिजीज को, सिवाय समझो टीनिया वर्सिकुलर हो, या समझो ल्यूकोडा विटिलो, एक चंद डेफिशिएंसी डिसऑर्डर को छोड़ के, बाकी जितने भी स्किन डिजीज को हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि दिस आर ऑल डर्माटाइटिस। तो आप लोग सोरियासिस को भी डर्माटाइटिस कह सकते हैं, स्कैबिस को भी डर्माटाइटिस कह सकते हैं, कोई इंफ्लेमेटरी या कोई कोई एलर्जिक मैनिफेस्टेशन होगा उसको भी हम क्या कह सकते हैं, ग्लोबली उसको एक ही नाम भर सकते हैं, कुली तौर पर दिस आर ऑल कम्स अंडर डर्माटाइटिस। कुछ लोग उसको एक 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 कॉम्प्लीमेंट्री, या उसको एक ऑर्नामेंटल नाम भी दिया, एक्जिमा, एक्जिमा के नाम से भी जाना जाते हैं कोई भी स्किन डिजीज को, एक पर्टिकुलर डिजीज, खास तौर से हम लोग नारे फारसी के जान, लेकिन ज्यादातर एक्सीमा एक्सीमा बोलते हैं। तो मॉडर्न के अंदर अगर हम जाएंगे, मॉडर्न के अंदर स्किन डिजीज के अंदर क्या क्या स्किन डिजीज मॉडर्न में आता है, तो वो भी मुख्तसर एक लिस्ट है। अब वो लिस्ट को पैथोलॉजी के लिए एक अलग लिस्ट बनाए, क्लिनिकली एक अलग लिस्ट बनाए मॉडर्न वाले। पैथोलॉजी के लिए अगर लिस्ट बनाए हम लोग, तो हम लोग इजीली बना सकते हैं फंगल, बैक्टीरियल, वायरल डिफिशियंसी, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बोल के। स्किन में पाए जाने वाले डिजीज कितने हो सकते हैं, मेटाबॉलिक हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं, फंगल हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकते हैं, या कोई डिफिशियंसी हो सकते हैं, या कोई मैकेनिकल ट्रॉमा, ये सब चीज को हम लोग अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि क्लासिफाई मॉडर्न का एक तरीका है, मैक्सिमम क्लासिफाई करो ताकि दुनिया उसको इतना मॉडर्न समझे, क्योंकि क्लासिफिकेशन उनका एक क्या मालूम उनके तरीका है, जितना क्लासिफाई करोगे उतना डेप्थ में गया, उतना सुपर स्पेशलाइजेशन गया, हकीकत में ये नहीं, जितना तुम सुपर स्पेशलाइजेशन जितना तुम डेप्थ में नहीं जाएंगे, तुम अपने मुद्दे की तरफ जाएंगे, दैट इज रियल सुपर स्पेशलाइजेशन। ओके, अब यहाँ उन लोग में भी समझो मॉडर्न में अगर किसी ने एक कलम और पेन दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, स्किन रैशेस है, डर्माटाइटिस है, सोरियासिस है, डैंड्रफ है, और सेल्यूलाइटिस है, और एब्सेस, जैसे क्या नाम उसका, अटिकेरिया, उसको हम हाइव्स कहते हैं, और शिंगल्स यानी कि समझो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, जितने भी हर्पस को शिंगल्स कहते हैं, और कभी वेरी रेयरली बीटा सेल, मतलब बेसिक सेल कार्सिनोमा, मेलानोमा, ये मतलब एक मुख्तसर लिस्ट है, स्कैबीज, टिनिया वर्सिकुलर। एक क्लिनिक के लिए हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ मैक्सिमम क्लिनिक के लिए अगर एक स्किन के डिजीज का एक लिस्ट बनाएंगे, तो हार्डली आप एक 10-15 डिजीज, 15 डिजीज मैक्सिमम पूरा क्लिनिक के लिए तो क्लासिफाई कर सकते हैं। पैथोलॉजी के लिए स्किन को क्लासिफाई करेंगे एंटी वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, और दो तीन और एक्स्ट्रा तुम ऐड भी कर सकते हो, इडियोपैथिक एंड एट्रोजेनिक, न मालूम होने वाले, या एलर्जिक मैनिफेस्टेशन, वो आपको पैथोलॉजी के लिए भी नाम दे सकते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब एक चीज, हम लोग इतना स्किन को इम्पोर्टेंट क्यों देना चाहिए, क्योंकि एक बेसिकली हम लोग पढ़े, मॉडर्न में नहीं है वो, लेकिन हमारे अंदर, आप एक देखते हैं किसी ने आपसे पूछा एक लॉजिक सवाल, व्हाट आर द स्किन डिजीज, अगर किसी ने पूछा, मैं समझता हूँ स्किन डिजीज सिर्फ दो या तीन होना चाहिए, मेरे ख्याल से तीन होना चाहिए स्किन डिजीज, सिर्फ तीन। कैसे, अगर आपकी स्किन कट गया, वूंड हो गया, वो स्किन डिजीज है। क्यों, प्रॉब्लम किधर है, स्किन में। ट्रीटमेंट किधर चाहिए, स्किन में। स्किन में ट्रीटमेंट किया, स्किन में, स्किन हील हो गया, बात खत्म। आपकी हाथ जल गया,
हमने कभी इसको स्किन डिजीज नहीं कहा, स्किन डिजीज है कि स्किन जल गया, तो ट्रीटमेंट कहाँ चाहिए? स्किन में चाहिए। तो मेरे हिसाब से कट वुंड एंड बर्न ओनली 3 स्किन डिजीज है, बाकी कोई स्किन डिजीज नहीं है। बाकी डिजीज दूसरे कई जगह की इश्यू स्किन में जाहिर हो रहे, यानी सिम्टम जाहिर हो रहे हैं, तो वो स्किन डिजीज कैसे होंगे? जैसे आपको हार्ट में इस्चीमिक अटैक आ गया और आपको आपकी पेन रेडिएट हो रहा है हार्ट में अल्नार साइड में या आपको मैंडिबुलर साइड में, आप उसको जाके यहां थोड़ी ट्रीट करेंगे, आप ट्रीट करेंगे हार्ट को, तो इसको थोड़ी बोलेंगे हार्ट की डिजीज है, वो हार्ट डिजीज है वो। अगर आपको एपिलेप्सी हो गया, ब्रेन में एनसेफेलाइटिस हो गया, आप पूरी स्पैसम में आ रहे हैं, तो थोड़ी मस्कुलर डिजीज बोलते हैं इसको, इसको हम बोलेंगे दिस इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो हकीकत में अगर किसी ने पूछे, लॉजिकली अगर आपसे किसी ने सवाल पूछा व्हाट इज स्किन डिजीज, देर आर ओनली 2 स्किन डिजीज, दिस इज माई कंसेप्ट है, अभी तुम लोग को उसके ऊपर बहस कर सकते हैं, दिस इज ओनली 2 स्किन डिजीज, कट वुंड एंड बर्न्स 3 डिजीज, या ब्रुइसेस हो या लेसरेटेड वुंड, वो हम अगर बाद में तकसीम कर सकते हैं। बेसिकली स्किन में होने वाली, यानी वजह भी स्किन में, अलामत भी स्किन में, ट्रीटमेंट भी स्किन में, खत्म हो गई स्किन डिजीज। अगर एक्सीमा स्किन डिजीज होता तो आप लोग एक्सीमा के लिए सिर्फ ऊपरी ऊपरी दवा दिया, वो मामला खत्म क्यों नहीं हो रहा? सोरियासिस अगर बैरूनी तौर पे स्किन में, तो सोरियासिस के लिए ऊपरी तौर पे मरहम, कोबा, रोगन, कमीला कोई भी लगा के वो खत्म होने के वापस फिर क्यों आ रहे? एक बार स्किन वूंड अगर हील हो गया, वापस स्किन वूंड नहीं आते उधर, क्योंकि सबब वूंड में था, हमने सबब का भी इजाला किया, यानी कि इंफेक्शन को भी दूर कर दिया और उसको हमने हीट कर दिया। अब यहां भी हम लोग का कंसेप्ट है एंटीबायोटिक लगाने से वूंड हील हो गया, वूंड हील होने के लिए बॉडी खुद करता है, मुंदा मिल का काम करता है, दवा कभी वूंड हील नहीं करता है, फिर हम लोग ऑनमेंट क्यों लगाते? वहां मजीद इंफेक्शन को रोकने के लिए मरहम लगाता है, वूंड हीलर बोल के दवा नहीं है। मुंदमिले कुरु का मतलब भी कोई भी हाबिस काबिस मुजफ्फिफ दवा मुंदमिले कुरु काम क्यों करते हैं? वहां ताफुन को, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी को बंद करते हैं और अपने आप वूंड हील हो जाते हैं। पुराने जमाने में जो बड़े बड़े सर्जरी होता था, बड़े बड़े मेजर सर्जरी, जैसे जैसे LSCS हो गया या कई जगह पे वुंड सर्जरी हो गया, हम लोग क्या करते? डॉक्टर बोलते डिस्चार्ज होने के बाद में हर अल्टरनेट डे आओ, हर अल्टरनेट डे जाता है, फिर आयोडीन या पायोडीन लगाते हैं या बीटाडीन लगाते हैं, फिर उसके अंदर मरहम लगाते हैं, फिर पट्टी लगाते हैं, फिर पट्टी लगाते रहते 15 दिन। आज कितने भी मेजर सर्जरी रहने दो, पेशेंट को खाली पट्टी लगा के स्टिकर ला के घर भेजते, फिर वापस आना नहीं, उसके साथ में 5 दिन का एंटीबायोटिक लिख के दे देती। एंटीबायोटिक वुंड हील नहीं करते, याद रखना, एंटीबायोटिक ताफुन को रोकता है, एंटी इंफ्लामेटरी का काम करता है, नॉट लाइक गोश उगाता है या आपका वुंड वुंड हील करता है बॉडी इटसेल्फ। तो अगर आपको एक शहर का मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है तो 24 घंटे की स्टडी काफी है। मैं अक्सर एक मजाक के तौर पे, मैं अक्सर मजाक बोलो या उसको हकीकत बोलो, मैं अक्सर ये कहते हैं कि दुनिया में सीखने के लिए सबसे आसान साइंस है मेडिकल साइंस। एनी फूल कैन स्टडी मेडिकल साइंस, एनी फूल कैन स्टडी मेडिकल साइंस, यानी एनी फूल कैन बी ए डॉक्टर। इसलिए सबसे ज्यादा फूलिशनेस की बात डॉक्टर लोग ही करता है। इंजीनियर बनने के लिए यू नीड ब्रेन, उल्टा सीधा करेंगे तो गिर जाएंगे। वकील बनने के लिए यू नीड लिटिल बिट ऑफ कॉमन सेंस एंड लॉजिक एंड ब्रेन। आपको बिजनेस करने के लिए भी क्या चाहिए? ब्रेन चाहिए। आपको डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ कुव्वत या हाफिला, यानी कि याददाश्त चाहिए। इसलिए तो जो LKG से UKG से रट रट के हायर मार्क स्कोर करता है वही डॉक्टर बनता है। चंद दवा का लिस्ट, चंद बीमारी का इलाज, चंद सिम्टम्स को बयान रखो, 6 महीने कंप्यूटर को सिखाओ, डॉक्टर से ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करो। याद रखो, इसमें मैं हकीम की बात नहीं कर रहा है, तुम लोग को मैं हकीम की बात नहीं कर रहा, मैं कॉमन एक मेडिकल की बात कर रहा।
अब रहा सवाल, हम यूनानी में आएंगे, ओके बस इतना ही। नहीं मुखसर है, आपको भी एनडी डीवीडी सब बनने के लिए लिस्ट बनाओ, और दवा के तौर पे, अब ये तो मैंने बताया स्किन के टाइप, मॉडर्न में क्या डिजीज कितना है, और सब डर्मेटाइटिस का नाम लिख डालो, सब हो गए बीमार। अभी इलाज क्या है? एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, लोकल या सिस्टमिक स्टीरॉयड एंड सम सप्लीमेंट। पांच दवा याद रखो, फार्माकोलॉजी भी खत्म हो गए। बात यहां नहीं, बात जब हम यूनानी में उतरता है तो बात का बात बनता है उसमें। क्यों? जब हम यूनानी में आते हैं तो हम लोग सबसे पहले कुछ चीज सिखाता है जो आज तक किसी ने सीखा नहीं। मिसाल के तौर पे स्किन, इससे आजा है, कुछ लोग उसको मुफरद आजा, मुरक्कब आजा सब बताए। बेसिकली स्किन एक मुफरद नहीं कह सकते हम, स्किन एक मुरक्कब आजा है, क्योंकि इसके अंदर आसाब भी है, ब्लड सर्कुलेशन सब मिलके स्किन बनता है। ओके तो बेसिकली हम उसको मुरक्कब ही मानना चाहिए, मुफरद नहीं। कभी कभी अक्सर हम लोग कंफ्यूशन रहते, कुछ लोग बोलते मैदा कौन सी है, मुरक्कब है क्या मुफरद आजा है, तो फट करके पब्लिक बोलते मैदा मुफरद आजा है, मैदा एक्चुअली मुरक्कब है, क्योंकि मैदा आसाब से मुतासिर होता है, मैदा सेक्रीशन से मुतासिर होता है, मैदा तफरुक को इतिसाल से मुतासिर होता है, यानी कि मैदे में सेक्रीशन है, यानी कि उसके अंदर सेक्रीशन है, उसमें नर्व सप्लाई है, इसमें ब्लड सप्लाई है, उसमें गोश्त भी है। सिर्फ गोश्त की एक लोतड़ा रहा होता तो हम बोलेंगे बाबा, जिसे हमारा गोश्त का एक लोतड़ा अलायदा कर दिया, तब बोल सकते हैं इसमें फर्द है। अब स्किन के बारे में क्या जानते हैं हम लोग यूनानी में? बहुत ही मुख्तसर जानते हैं, लेकिन स्किन के बारे में याद रखो, सिन बहुत सारे आजा हमने पढ़े, मुख्तलिफ मिजाज के, यानी इंसान भी मुख्तलिफ मिजाज के, चार मिजाज के, इसमें इंसान समझो मैं सफरावी होने के बावजूद या मैं सौदावी होने के बावजूद भी मेरे दिमाग का एक मिजाज है बारदरत्तर, मेरे दिल का एक मिजाज है गर्म तर, मेरे मैदे का एक मिजाज है गर्म तर, मेरे हर आजाडी का मिजाज सर्द खुश्क, हाल का मिजाज सर्द खुश्क, सब बताया उसमें। सबसे मुतदिल यानी कि कोई मिजाज के तरफ नहीं गया, सबसे मुतदिल की करीब एक आजा बनाया है स्किन अल्लाह ने, सबसे इतिदाल में रखा है। जो इतिदाल में रहते वो हर चीज को जानता है, जैसे सूफी हो या जो अल्लाह वाले रहते वो हमेशा इतिदाल में रहते, वो इधर भी नहीं रहते इधर, उनसे कुछ भी पूछ के देखो सही जवाब मिलेंगे आपको, तकवा वाले से, मुत्तकी से, परहेजगार से, हर चीज का बड़ा, क्योंकि वो इतिदाल में। जैसे आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक खराब हो गया तो इलेक्ट्रिशियन या आपके पास जो आने वाले जो टेक्नीशियन है उसके पास एक गैल्वेनोमीटर लेके आते हो, हर जगह टच करके देखते, वो टच करने से पहले वो चीज सुई क्या रहते हैं, वो जीरो में रहते, या तो इधर जाता है वो इधर जाता है, पहले से इधर है तो वो कैसे देखेंगे समझा, या पहले से इधर है तो नहीं देखे, मिडिल में हो। तो हमारी स्किन को मिडिल में रखने की यानी मुतदिल में रखने की मेन वजह, इवन एक्सटर्नल एयर की, क्लाइमेट, एयर, पानी, आग, हवा, सूरज, सब चीज की तगयुर सबसे पहले असर करता है स्किन के ऊपर, नंबर वन। नंबर टू, तुम अगर कुछ भी गैर तबीयी चीज, अनवांटेड, मुजिर, जो बॉडी के लिए मुजिर हो या एंटीजन बोलो या कुछ भी बोलो, सब दाखिल होने सबसे पहले उसकी जो तासीर है, उसकी रिएक्शन स्किन में आता है, इंफॉर्मेशन उससे ये साफ साफ ये सारा होता है कि सबसे बड़ा एक स्क्रीन है बेसिकली हमारा स्किन। बहुत सारे डिजीज को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे स्किन के थ्रू आप डायग्नोसिस कर सकते हैं, इवन उसकी मिजाज भी, इवन उनका मिजाज भी, फंडामेंटल चीज सेम है, लेकिन उसकी स्किन के अंदर इतिदाल होने की वजह से सबसे ज्यादा स्किन में बीमारी दिख के आता है। लेकिन हमारे पास इतना टाइम और फुर्सत और तकवा नहीं, हम लोग डायरेक्ट फाइल खोलता है बीमारी क्या है देखने के लिए, एक चेहरा देख के भी हमने 20-25 बीमारी की अंदाजा लगा सकते, क्योंकि अगर आप समझो एक 15 दिन कोई भी रीनल जो क्या नाम उसका सीकेडी की पेशेंट हो या क्या बोलते हैं उसको डायलिसिस की सेंटर पे 10-15 दिन काम करो, और सबका स्किन के ऊपर ध्यान रखो,
किसी की किडनी फेलर हो गया, किसी को क्रिएटिन बढ़ गया, किसी की यूरिया बढ़ गया, चेहरा देख के एंट्री मारते तुम बता सकते इसकी जिगर इसकी किडनी जा चुकी, एंट्री मारते। किसी की जिगर में अगर सपोज कोई जईफी आ गया, जिगर में हरारत बढ़ गया तो चेहरा एक पिलाट रहते, जिगर में गर्मी बढ़ गया तो एक एहतराकी चेहरा रहते, यानी कि कंबशन, वो भी मर, यानी कि सिर्फ जिगर का ही बीमारी, जिगर में दो किस्म की बीमारी हो सकती है, गर्मी का भी बीमारी और सर्दी का भी, जिगर में गर्मी बढ़ गया या जिगर में सर्दी, दोनों बोल सकते। एंग्जायटी वाला पेशेंट, वसवासी पेशेंट, ओसीडी की पेशेंट चेहरा देख के बोल सकते, ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट चेहरा देख के बोल सकते। हम खाली देखते कि खुजली है तो हम बोल सकते बाबा तुमको खुजली, वो तो खुद भी बोल सकते मुझे खुजली है, हम अर्टिकेरिया है, सोरियासिस है, बड़ा बड़ा मतलब अपने आप को देखे ये तो सोरियासिस लग रहा है, अरे बाबा ये तो खुद को भी मान ले तुम सोरियासिस, अगर तुमको मिलेगी तो स्किन मुतदिल होने की वजह से बॉडी के अंदर पाए जाने वाले कोई भी गैर तबई चेंजेस, वेदर इट इज मेटाबॉलिक, इवन इफ इट इज लाइक दिमागी टेंशन हो, इमोशनल इश्यूज हो, आदमी गुस्सा करता है, आदमी गुस्सा कर रहा है, चेहरा देख के बोल सकते बाबा ये बहुत गुस्से में, अभी उसके पास मत जाओ। एक आदमी बहुत खुश है, मुसर्रत, उसके अंदर एक हंसी जो दिख के आ रहा है, बहुत मूड पे लग रहा है हकीम साहब, चेहरा देख के बोल सकते। एक आदमी डिप्रेशन में है, चेहरा एकदम मटियाली कलर हो गया, डिप्रेशन में, एंग्जायटी है, डरा हुआ आदमी का चेहरा देखो पीला पीला रहता है, वो एकदम जैसे ब्लूइश डिस्कलरेशन रहते हैं, या एक मटियाली कलर, डर से, खुशी से गुलाबी हो जाते, गुस्से से सुर्ख हो जाते, ये सब चीज जाहिर हो रहा स्किन में, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ये सब चीज के ऊपर हमारे पास ध्यान रखने के लिए तकवा नहीं, क्यों? हमारी स्क्रीन है वो, पेशेंट जब एंट्री मारता है उसकी स्क्रीनिंग होना चाहिए, स्कैनिंग, तुम्हारी आंख उसके ऊपर बॉडी में पड़ गया। हाँ यार, कितने पेशेंट बातें बातें करते, मैं बोलते रहता हूँ कह रहे तुम्हारी मैदा सही नहीं, अरे डॉक्टर साहब आपको कैसे मालूम, उसकी चेहरा देख के समझ में आते हैं उसकी तबखीरी कैफियत, उसकी बॉडी में हिद्दत ज्यादा, उसकी मैदे में ज्यादा करके। अब वो अगर आइडिया मिल गया तो बाकी आइडिया भी तुम दे सकते या बोल सकते हैं। तो बेसिकली याद रखने का, स्किन यूनानी के इतिबार से सबसे मुतदिल के करीब एक ऑर्गन है, उसमें सबसे उससे ज्यादा मुतदिल के करीब है अपनी हाथों की स्किन्स, उसमें भी उससे ज्यादा मुतदिल की करीब है हमारी हर उंगली, उसमें सबसे ज्यादा मुतदिल की करीब है अंगुष्ठ शबाब का, शबाबा का जो, उसमें भी सबसे मुतदिल की करीब लास्ट पोर अकला, ये नहीं टिप पॉइंट, ये सबसे ज्यादा मुतदिल है। हम लोग जब नमाज पढ़ने के टाइम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, देखो उसके भी अंदर कहीं ना कहीं एक साइंस है, एक इतिदाली हालत उसके ऊपर इशारा कर रहा है, एक इतिदाली हालत, ये नहीं बोले, ये नहीं बोले, ये नहीं बोले, पांचों हाथ मत उठाओ, ये उठा मत, ये इतिदाल की करीब है। और याम हकीम लोग को बताते कि जब तुम लोग हकीम बने तो बार बार तुम हाथों में, बार बार हाथों में बादाम का मसाज किया करो, मतलब गरम गरम चीज का ज्यादा हाथ इस्तेमाल मत किया करो, जो किचन में ज्यादा काम करने वाले हकीमा लोग रहते हैं, क्योंकि एहसास खत्म हो जाते हैं कि इसके दायर तबे स्किन आ जाते हैं, तो उनको जल्दी एहसास या नर्स सीखने पढ़ने में इतना नहीं होते कि, क्योंकि एक हकीम का या एक हकीमा का हाथ एकदम मुलायम रहना चाहिए, किसी को मुसाफा भी किया तो ऐसा लग रहा है अपने को, देखेगी कभी कभी अच्छे अच्छे जो लोग आते हैं एकदम मुत्तकी परहेजगार, जैसे चाचा मौलाना से हाथ मिलाने के टाइम पे अपने को इतना अच्छा लगता है कि वो हाथ छोड़ो मत, वो हाथ पकड़ते रहो, इतना सॉफ्ट एंड इतना इतिदाल में रहते हैं कि आप छूने को दिल कहते हैं। कुछ लोग हाथ मिलाते हैं यार बहुत गर्म है यार, हाँ यार मैं बहुत गर्म रहती, कुछ लोग हाथ एकदम ठंडा रहते हैं, कुछ लोग हाथ एकदम स्वेट रहते हैं, कुछ लोग एकदम ड्राई रहते हैं। तो मॉडर्न वाले ने तीन किस्म की स्किन को क्लासिफाई किया, ब्रॉड क्लासिफिकेशन, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन एंड ऑयली स्किन। यूनानी के इतिबार से सबसे पहले मिजाज के इतिबार से उसको माना गया कि सबसे मुतदिल के करीब है, फिर उसमें मजीद क्लासिफाई किया। ये याद रखना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक ऐसी टूल है, इसलिए पुराने जमाने में
जैसे अभी कम हम लोग कहीं जा रहे हैं सफर में, या कहीं बैठा है, कहीं भीड़ में बैठा है, ये एक बेतकवा यानी कि तकवे के साथ बैठो, हजारों लोग को देखो, उसकी चेहरा देखो, उसकी हरकत देखो, फिर अंदाजा लगाओ ये आदमी की स्किन देख के, इसकी मिजाज सफरावी, ये नहीं, बहुत कहाँ से आ हंसमुख रहे है, हो? लेकिन इसका मालूम है? इसका मिजाज हाँ दम्भी वो तो है, मुझे मालूम है, इस टाइम कहाँ से आ और रहे हो? इसका मिजाज दम्भी है, इसका मिजाज सफरावी है। तो एक समझो, 1 लाख मालूम यार चेहरा आपका अगर टाइम कब देखे, है, क्या है? 1 लाख चेहरा अगर देखे, तो बाद में हमको एक अबनॉर्मल चेहरा देख के हमको समझ में आते, इसकी क्या प्रॉब्लम चल रहा है, इसकी क्या ऑर्गन खराब हो गया, उसके अंदर मामूली क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, इसकी मेटाबॉलिज्म क्या चल रहा है, ये इजीली बोल सकते। मैदे की खराबी तो चेहरा देख के बोल सकते, मैदा अगर खराब है, गर्म मैदा, चेहरे चेहरे के अंदर एक एथराक रहते, जिसका मैदे में कमजोरी या जायफे मैदा बरूदत की वजह से, या जिगर के अंदर बरूदत बढ़ गया, तो ऐसा लगता है कि एकदम फीका पीका चेहरा रहता है, मतलब एक एनीमिक फेस रहता है, एक तरह से पल्लार चेहरा रहता है। तो याद रखना, क्लासिफाई करने से पहले एक नॉर्मल चेहरा दिमाग में तका करो, पढ़ा करो बार बार, ये नहीं कि आते ही चेहरे स्कैनिंग करो, चेहरा स्कैनिंग करो, चेहरे से बहुत कुछ, स्किन से बहुत कुछ, जॉन्डिस का आपको मालूम पड़ेंगे, कोई डिफिशियंसी अगर डिसऑर्डर है विटामिन, वो स्किन से मालूम पड़ेंगे, कोई वायरल इन्फेक्शन है तो स्किन से मालूम पड़ेंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मालूम पड़ेंगे, मतलब समझो, मैं समझता हूँ 30-35 बीमारी आप स्किन से मालूम कर सकते हो, या कम से कम इतना तो मालूम कर सकते हैं इस इंसान की मिजाज फंडामेंटली क्या है। ओके, तो मॉडर्न की जो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन बोल सको, या उसको ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन एंड वेट स्किन, इसकी एक मैनेजमेंट एलोपैथी नॉर्मली करता है। अगर आपको मिजाज के इतिबार से अगर स्किन को मैनेज करना नहीं आता है, तो कॉमन चीज से आप उसको पकड़ सकते हैं, रुतुबी स्किन, यानी कि समझो जिसके अंदर रुतुबत की गलबा है, ऐसा कुछ स्किन, ऐसा पढ़ो, या भी स्किन, ये बूसब का कुछ स्किन है, उसके बारे में पढ़ो, एक नॉर्मल स्किन, ऐसे 3 क्लासिफाई करो। अब जो रुतुबी स्किन रहते हैं या ऑयली स्किन रहते हैं, उनको जो बीमारी होती है वो ड्राई स्किन वालों को नहीं होती, ड्राई स्किन को जो बीमारी होती है ऑयली स्किन को नहीं होती, और एक होते हैं मिड स्किन। अब हमको ये देखना है कि यूनानी इतिबार से भी हम 4 में क्लासिफाई कर सकते हैं स्किन को, सफरावी स्किन, दम्भी स्किन, बलगमी स्किन एंड सौदावी स्किन। सबके अपने अपनी जगह, अपने अपने मेरिट एंड डीमेरिट से, कोई अफसल नहीं है, कोई नीचे नहीं। इसमें सबसे ज्यादा इंफ्लेमेटरी इश्यूज एंड एलर्जिक इश्यूज, वेदर इट इज अर्टिकेरिया हो, वेदर इट इज, अपन पढ़े थे पस्टियोल, मैक्यूल, पैप्यूल, वो सब उसमें मैं जाना नहीं चाह रहा, हम यूनानी के इतिबार से कोई भी एक्यूट इश्यूज, एक्यूट यानी फास्ट, फास्ट किसका, हरारत का काम, एक्यूट स्किन डिजीज बेसिकली सफरा एंड बलगमी दम्भी से होता है, क्योंकि दोनों में फाइल कोट ग्राम, तो स्किन में कोई अचानक कोई इश्यूज हो गया, कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, कोई बॉयल्स हो गया, कोई मैनिफेस्टेशन हो, तो सबसे पहले दिमाग में रखो ये लीजन की वजह हरारत है। अगर क्रोनिसिटी इख्तियार किया, ऊपर आराम से आया, आराम से जा रहा, या बहुत ही साइलेंट सिम्टम्स, सब बहुत ही माइल्ड है, तो जमाने से 20-25 साल से हरारत की कोई सिम्टम, तो या तो बलगमी है या सौदावी, इतना भी क्लासिफिकेशन करना अगर हमने सीखा, तो मैं समझता हूँ तो भी आप लोग एक शहर का सबसे मशहूर स्किन का इलाज करने वाले एक हकीम बन सकते हैं। हम हकीम क्यों नहीं बने, मैं अक्सर ये कहते कि दुनिया का सबसे बड़ा खतरा क्या मालूम, ऑफ नॉलेज, दुनिया का सबसे बड़ा खतरा, या अब ये बोलो बदकिस्मती बोलो, खतरा बोलो या डेंजर बोलो, वो है ऑफ इल्म, कोई भी चीज के तल्लुक से आधा है, कोई झगड़ा भी हो गया तो आधा सुन के मत आओ, दोनों सुनो, एक का मत सुनो। अब यहां हमारे साथ सबसे ज्यादा साथ, हमारे जो बीओमएस डॉक्टर लोग के साथ सबसे बड़ा बदकिस्मती बोलो, या हमारी कुछ उसको किस्मत भी बांधते हैं, हम यूनानी की थोड़ा आधा मालूम रखते हैं, थोड़ा एलोपैथी आधा मालूम, ये आधा मालूम की वजह से हम नहीं घर का, न घाट का, न बना,
ना इधर का बन पाया, ना उसका बन पाया, ना इसका, किसी का नहीं बने। मैं ये नहीं बोल रहा कि एलोपैथी पढ़ना बुरा, एलोपैथी पढ़ना तो सिर्फ उसी में एक्सट्रीम हो जाए, फिर इसके बारे में मत सोच। या सोचना है तो इसकी एक्सट्रीम नॉलेज पे जाओ, आधा नॉलेज मत रखो, इट्स वेरी डेंजर। हम कहते भी है ना, नीम अकीम खतरे जान, वो बहुत बड़ी एक फिलोसफी है वो। हम मॉडर्न में भी नीम जानते, क्योंकि हमारे तो बड़े बड़े मछलियां बैठे मॉडर्न में, हम वहां का जाके क्या उगाड़ेंगे, क्या करेंगे। तुम कितने भी बड़ा बनो मॉडर्न में, तुम्हारी एक लिमिट है मॉडर्न में, क्योंकि तुम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि वहां एमडी डीएम एमबीबीएस वाले तुम हमेशा एहसास से कमतरी में सर झुक के उनके सामने अपने आपको डॉक्टर बोलने में डरता, क्योंकि अगर पूछेंगे विच स्पेशलाइजेशन, नहीं मैं बीओमएस वाला, बोल के पीछे अड़ जाएंगे, वहां तो जा ही नहीं सकते। अब यहाँ भी अगर संत चलो हमारे हमारे वालों के साथ रहते, वहां भी मुंह खोलने में डर लगता है, क्योंकि बड़े बड़े हकीम साहब है, कुछ भी अगर इधर उधर पूछे तो वहां भी फंस जाएंगे, तो जाएगा कैसे। ये हमारे साथ बहुत बड़ा मसला है, ये जो आप इल। अब यहां याद रखो, जो मुजमिन बीमारियां, जो हार्ट हॉट डिजीज, उसको क्लासिफाई करो सफरावी। इसमें तुम ये कंफ्यूज मत रहो, ये फंगल है क्या, वायरल है क्या, बैक्टीरियल है, किसी में परेशान। ज्यादातर आजकल जो स्किन स्पेशलिस्ट एक तरह से इस्तेमाल करते हैं एलर्जी, पहले तो समझाना पड़ता था, अभी समझाने की जरूरत थी। एंटी एलर्जिक लिख दिया, या कोई सेट्रिसिन एक्टिफेड एविल 25 कुछ भी लिख डाले, और कुछ चेकअप करा दिया, आईजीजी आईजीएम ये बोल के चार पांच चेकअप भी कर दिया, तो बात खत्म हो जाती है। अब यहाँ सवाल याद रखो, हम हमारे इतिबार से अगर आपको यूनानी में सुपर स्पेशलाइजेशन बनना है, तो सबसे पहले याद रखो मुसफी खून, वो जो वर्ड दिमाग से डिलीट करके फेंक डालो, समझा। किसी सूफी से किसी ने एक सवाल पूछे थे, कौन है सबसे बेहतरीन मुर्शिद या उस्ताद, कौन बन सकता, उस्ताद वो है या मुर्शिद वो है जो मुरीद की इल्म को खत्म करे। तो लाइसा कैसे बोला, यानी कि मुरीद के दिमाग में कुछ लेके घूमता है वो, उसको डिलीट करो, यानी वो अपनी सोच लेके घूमता, उस सोच को खत्म करो। वो करने वाला सबसे बड़ा मुर्शिद रहता है या पीर रहता है, जो मुरीद की थॉट को पले खत्म कर डाले, ये जो अपनी एक थॉट। तो हमने क्या करो, ये सबसे पहले ये थॉट को फिनिश करो आज। द वर्ड मुसफियात और चंद बीमारी की नाम और चंद मुसफियात की नाम बाई हार्ट रखने के बजाय स्किन डिजीज को क्लासिफाई करना सीखो एज पर लॉजिक एंड एज पर द टेम्परामेंट के हिसाब से कम इतना तो मुजमिन और हाथ में क्या असर होता है। अगर आपकी तकवा ज्यादा है तो हाथ में, यानी गर्मी में, वेदर इट इज सफराई के वेदर इट इज दम्बी है, उसमें कॉमन सेंस है। अगर कई जगह पे गर्म लग रहा है, गर्म दाना लग रहा है, छोटे छोटे दाने निकले, हम सब समझ में आते कि अटिकेरिया जैसी चीज, अटिकेरिया छोटे छोटे दाने, किसी को मुंह से एक्ने आ रहे बड़े बड़े दाने, या किसी को बाल तोड़ हो रहे, या किसी को बड़े बड़े बॉइल्स आ रहे, दोनों सिर्फ साइज में फर्क है। अटिकेरिया छोटे छोटे दाने आ रहे, या बड़े बड़े पोड़े फुंसी आ रहे, दोनों हमको मालूम है, या तो गर्मी से 100%, ये तो ये बलगमी भी नहीं है, ये दसौदा भी, इतना तो हम जानते हैं। अब रहा सवाल इसमें, ये सफरावी है क्या, बलगम दम भी है क्या, कैसे मालूम करो, उसमें भी कॉमन सेंस की जरूरत है। सफरा हमेशा हिद्दत का में तोड़ता है, बार बार तोड़ता है, टुकड़ा करते, अगर छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े फ्रेगमेंट के शक्ल में अगर सिम्टम्स आ रहे, सफरावी, और बड़े बड़े जमा हुआ लाल लाल लीजन आ रहे, उसके अंदर रुतुबत की गलबा है, रुतुबत हमेशा आपस में जोड़ के बड़े बड़े करता है, हमेशा बड़े को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ा करते, यानी लाइसिस का काम करता है, और ये कॉम्बिनेशन का काम करता है कि रुतुबत बीमारी यानी कि लीजन फैला हुआ है। दीज आर ऑल कॉमन सेंस है वो, ये ऐसा नहीं कि आपको किताब में नहीं मिलेगी, ये मैं से हाउ टू माई डिफरेंशिएट, क्योंकि अगर आपकी रुतुबत की कंसेप्ट परफेक्ट है, ये बुसत की परफेक्ट अगर कंसेप्ट अगर परफेक्ट है, तुम एग्जैक्टली बोल सकते हो बाबा देखो आपकी जो पैर में जो लीजन है दम भी है, हाथ में जो लीजन है सफरा भी, इतना तुम एक्सपर्ट बन सकते हो इसके अंदर, क्योंकि मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें अंदर तफर। अब ये दोनों में डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत क्या, अब हमको मालूम तो पड़े कि ये गर्म है, चलो अभी ठंडा दबा दे तो मामला खत्म होना चाहिए, नहीं, वहां कॉम्प्लिकेशन का चांसेस।
कैसे? एकदम मैथमेटिक्स वेरी सिंपल, इतना कंफ्यूज होने की बात। एक को बलगमी प्रॉब्लम होगा, एक सफरावी प्रॉब्लम। अब सफरा का एकदम ऑपोजिट क्या है? पानी है, यानी बलगमी है, यानी सर्द तर दवा से ये कम हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को अर्टिकेरिया हो गया तो उसको हमने खट्टी चीज कायली दे दिया, आमला दे दिया, या अनार दे दिया, अनार तुष तो सब ये गरम तर है, गरम तर है, गर्मी के साथ तर है, तो इसकी ऑपोजिट तर नहीं आना चाहिए, वो बढ़ जाएंगे। तो इसको चाहिए सर्द खुश्क मट्टी, आबिस काबिस मुजफ्फिफ चाहिए। दोनों में ठंडा है, ये ठंडा है और तर है, ये ठंडा है खुश्क है सफरा, ये पानी सर्द तर है, ये सर्द खुश्क, दोनों में सर्द है तो सर्दी में। लेकिन आखिर हिस्से में अगर सपोज आपने सर्द खुश्क दवा दिया सफरावी बीमारी में, सर्दी की वजह से उसकी गर्मी खत्म है लेकिन खुश्की से उसको तकलीफ हो सकती है कि वहां में खुश्की था। अगर आप रुतुबी यानी कि गर्म तर मुझे मुहासा हो गया, मेरी दवा मैंने सर्द तर दवा दी है सर्दी, लेकिन उसके अंदर तर है और ये इसमें भी तर है, किसमें? धमनी में भी, ये दोनों तर बढ़ गया तो मेरी पिंपल्स बढ़ने की चांसेस ज्यादा है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द मोस्ट एडवांस्ड सुपर स्पेशलाइजेशन इन यूनानी। सिर्फ यहां नहीं है, ये पॉइंट बेसिकली हर जगह पे लागू है। हमको मालूम पड़ा इसका मसला गर्मी है, अब गर्मी के साथ यानी कि एक एक वाइब्रेशन है, हम लोग वाइब्रेशन वाइब्रेशन पढ़ते हैं ना, वाइब्रेशन के बारे में, या कोई हम लोग वेव के बारे में, वेव में एक फ्रीक्वेंसी भी रहती है, एक उसके साथ में एक उसकी वेव लेंथ भी रहती है, दोनों पढ़ते हैं कितनी फास्ट आ रहा है वेव और उसकी स्पीड क्या है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी भी जानना जरूरी है, उसकी स्पीड भी जानना जरूरी है। सेम अगर आप हरारत पढ़े तो हरारत की फ्रीक्वेंसी तो हमारे फास्ट है, लेकिन सॉरी उसकी जो फ्रीक्वेंसी बढ़ा है लेकिन वो फास्ट है कि स्लो है? आई नो हरारत है, यानी कि एकदम सफरावी टाइप की फास्ट होने वाले क्या, या उसके अंदर व्हाइट कलर की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है सब आ रहे लेकिन वेरी लो चल रहा है, यानी कि इसकी ड्यूरेशन बहुत स्लो स्लो, एपिसोड बहुत स्लो। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मोस्ट एडवांस्ड मेटाफिजिक्स, या यू कैन से मोस्ट एडवांस्ड बायोकेमिस्ट्री की जगह बायोफिजिक्स ऑफ यूनानी। इसमें हम लोग महारत हासिल करना चाहिए, इसमें अगर महारत हासिल कर दिया तो हर बीमारी की बाल से गाल, गाल से बाल तुम निकाल सकते। तो मेन पॉइंट मेरा द मुसफी वर्ड दिमाग से निकाल दो, द वर्ड मुसफी आज से। तुम मुअद्दिलात बोलो तो भी चलेगा, तुम मुसक्किन हरारत बोलो तो भी चलेगा, क्योंकि अगर आपकी बीमारी गर्मी के वजह से हो रहे, वेदर इट इज कोई भी स्किन डिजीज रहे, उसको सर्दी पहुंचाओ, सर्दी से अगर उसका स्किन डिजीज हो तो गर्मी पहुंचाओ। अगेन इट सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, कॉम्प्लिकेटेड की तरफ नहीं लेके जा रहा। अगर किसी को खुश्की की वजह से उसको सोरियासिस हो, डैंड्रफ हो, एक्टोपिक डर्मेटाइटिस हो, इक्थियोसिस हो, कुछ भी हो नाम, आप उसकी माहियत जानने की कोशिश करो, उसकी नौहियत जानने की कोशिश करो, वहां क्या चल रहा है। ये बूसत की गलबा है, नींद भी डिस्टर्ब हो रहा है, खुश्की के मौसम में ज्यादा बढ़ रहा है, खुश्क अशिया खाने से बढ़ रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए मुझे या तो उसको गर्म तर चाहिए या उसको सर्द तर चाहिए, उसको तरी चाहिए। तो आपको ये ढूंढने की जरूरत नहीं कहाँ मुझे, या ठीक है माने सौदा या सौदा को तोड़ना ये भी चल सकते, मुझे कोई गर्म तर यानी खून बढ़ने वाली दवा। बहुत सारे सोरियासिस में अंगूरी बेहतरीन रिजल्ट मिलता है, डैंड्रफ में अंगूरी रिजल्ट मिलता है, ये नहीं कि आपने एडन शोल्डर लगाया, शाम्बू लगाया, पूरा उड़ा दिए, बाद में आ जाते। अगर आप शरबत उन्नाव भी दे दिए तो भी इसकी तरी की वजह स्किन डिजीज खत्म हो। अगर उसकी बीमारी में तरी की वजह से ताफुन हो रहे तो ताफुन का ध्यान रखो, तरी ना को, ये हर जगह पे लागू है। मिसाल के तौर पे एक अस्पताल में हमारा दो रिश्तेदार को बुखार हो गया,
दो कमरे में एडमिट है, दुनिया के हिसाब से बुखार है, हर डायग्नोसिस किया कोई चीज नहीं मिल रहा, पायरेक्सियन अननोन ओरिजिन या PUO, दो कमरे में, कमरा नंबर एक कमरा नंबर दो में दो मरीज बैठे हमारे। चलो हमने बोला चलो यार लोग को जरा देख के आते हैं, चलो कुछ ले लेते खाने पीने के लिए। अगर सपोज किसी को फर्स्ट वाला कमरे वाले को अगर बलगमी बुखार है, यानी कि ताफुनी बुखार है, उसको अगर हम फ्रूट्स लाके देंगे, यानी फ्रूट्स के अंदर क्या है समझे, संतरा है या मौसम्बी है, उसके अंदर मरी है, वो जाके अगर उस मरीज का जूस पिलाया तो उसको तुम क्या कर रहे हैं, उसकी ताफुन को बढ़ा दिए, थोड़ा सा खांसी और बुखार तब पता चला, 3 4 दिन कंटिन्यूस आपकी संतरा खा रहे जूस पी रहे, बाद में चेस्ट में इंफेक्शन बढ़ गया, न्यूमोनिया में चले गए, ठीक से बुखार था स्टार्टिंग। बाजू वाले कमरे में जो सफरावी एक बुखार है, उसके अंदर बलगम की गलबा ही नहीं, वही चीज उसको लाके दे दिया, वो एक जूस पीने से उसकी बुखार उतर गया, क्योंकि वो मुस्तकीन हरारत का काम किया, तोड़ फोड़ यानी कि सफरा की वजह से होने वाले जो लाइसिस, जो भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जो भी लाइसिस, जो भी सब खत्म हो गया सिर्फ एक संतरे की जूस। आपको चाहिए था पहले वाले दोस्त को एक चिकन सूप या हॉट एंड सोर सूप लेके जाना चाहिए, और सेकंड वाले को जूस लेके जाना चाहिए। यही स्किन में भी यही मेथड अडॉप्ट करना है, इसमें हर जगह अलग अलग उसूल नहीं है, यूनानी की खूबसूरत इसी में, आप एक उसूल अगर अच्छे से पढ़े वो उसूल हर जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते, ये नहीं कि यहां एक अलग उसूल है या एक अलग उसूल है तो हम उसको मानता ही नहीं। हम मॉडर्न को, मॉडर्न मेडिसिन को, परसों मेरा एक लेक्चर था बड़े बड़े मॉडर्न डॉक्टर, तो उसने मेरी बात से उसको ऐसा समझ में आ रहा है कि साइंस को नहीं मानना चाहिए, उनके मेरी बात से उनको ऐसा लगा, तो किसी डॉक्टर ने बोला क्या तुम लोग आयुर्वेदिक यूनानी वाले साइंस के ऊपर इतना, बोला साइंस सबसे बेहतरीन साइंस हमारे पास है, प्रॉब्लम है कि हमारा साइंस आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि वो आने वाले 15 10 साल के बाद में हाईली पढ़े हुए लोग को साइंस में समझ में आएंगे। हम इस साइंस के खिलाफ है जो आज एक चीज बोले कल उसको पलट के दूसरी चीज बोले, वो साइंस नहीं बोलते, साइंस सच है, सच कभी बदलेगा नहीं, खुदा सच है, कभी खुदा बदलता नहीं, बोलते वो जबान का सच है, यानी कि वो अच्छे इंसान है वो बदलता नहीं, जो चीज जल्दी खराब होता है जल्दी बदलता है उसका कोई कीमत ही नहीं दुनिया में। तो हम हमारा फाइट साइंस से नहीं, हमारा फाइट जो सो कॉल्ड अपने आप को बोलते हैं सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन एविडेंस बेस्ड है, ये जो एविडेंस और ये साइंस तुमने बनाया है, 10 साल तुमने एक साइंस बनाया, अगले 10 साल उल्टा बोल रहे हैं ऐसा नहीं ऐसा, इस साइंस को हम नहीं मानता है। अभी वैक्सीन का भी मामला, भी वैक्सीन मानता है, हम लोग बहुत वैक्सीनेटेड किया, स्मॉल पॉक्स को इराडिकेट किया दुनिया से, बहुत सारे चीज को हमने किया इराडिकेट किया, लेकिन अब उस वैक्सीन को मानता नहीं, अब बोल रहे कि ये सेकेंड डोज 4 4 वीक के बाद में बोल रहा 4 वीक की जरूरत नहीं, 8 वीक भी चलेगा, अभी 8 वीक के बाद में भी दवा नहीं मिल रहा तो बोल रहा है ऐसा चलेगा कि एक काफी है। तो हम साइंस के खिलाफ नहीं, क्योंकि साइंस सब साइंस का बाप हम है, सबकी रूट हमारे पास है, हम ये बोल रहे बाप बेटे को बोल रहे तुम सही सही डायरेक्शन से नहीं जा रहे, ये बोल रहे हम साइंस के खिलाफ नहीं, हम तो वैक्सीनेशन के खिलाफ नहीं, हम कोई चीज के खिलाफ नहीं, हम ये कहते हैं कि एक उसूल पकड़ो, उसूल परस रहो, तुम एक डिजीज की बात कर रहे थे, डिजीज एक उसूल पे रहना चाहिए, मॉडर्न में उसूल का है, प्रिंसिपल का है, मॉडर्न प्रिंसिपललेस एक मेडिसिन है दुनिया में, प्रिंसिपल बायोकेमिस्ट्री के आधार पर है, तो हर चीज बायोकेमिस्ट्री पर होना चाहिए, अगर तुम बैक्टीरिया वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आधार पर एक मेडिसिन बनाया तो सब चीज उसी के ऊपर बात करना चाहिए। अब तुम हर जगह पे, कुछ जगह पे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कुछ जगह पे तुम बायोकेमिकल चेंजेस, कुछ लोग एलर्जी, कुछ लोग इडियोपैथी, कुछ लोग सब चीज कुछ नामालूम तौर पे, हम ये नहीं कहते, हम तुम्हारे डाइजेशन भी खराब होगा तो बोलते देर आर सम टम्बरमंडकोस साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी होता, यही कहते हैं, आपका स्किन डिजीज हो गया तो भी हम यही कहते हैं, आपकी हार्ट में भी प्रॉब्लम हो गई तो हम यही कहते हैं, आपकी कोई भी डिजीज का मसला हम ये बोलेंगे, ये चार मिजाज में चेंजेस अगर हो गया
तो आप बीमार पड़ सकते हैं। 150 पार्टिसिपेंट हो गए माशाल्लाह। मेरा कहने का मतलब, हम हमारी उसूल कहीं भी उसूल से हटता नहीं। ये आज से 1000 2000 पहले बनाए हुए जो उसूल है आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं कि आपके उसूल आउटडेटेड। देखो आज दुनिया अपनी परेशानी को दूर करने की, इतनी साइंस एडवांस होने के बावजूद भी पूरी दुनिया नज़ले से परेशान है, कैंसर से, एड्स से नहीं। व्हाट इज नज़ला? कोई नाम रख दिया कोरोना, दर से नज़ला, इनसे परेशान है। तो मैं बात उसमें चल रहा है, मतलब मेरी बात इधर इधर जा रहा है। मेरा कहने का मतलब, स्किन डिजीज में अगर आपको जल्दी जल्दी स्किन डिजीज बना, यू मेक इट ए ग्रुप, एटलीस्ट दवा फोर वो ग्रुप्स, खाना रखते जाते जाएंगे तोते वो तो फोर ग्रुप या टू ग्रुप, सफरावी, दम्भी, बहुत ग्लोबल, सारे आ सल्वाई, जाएंगे, और बहुत उसकी सारे खाना साइलेंट रखते कि ना, सिम्टम्स। बहुत सारे आएंगे। शमी बंद करो, बोले उसको शमी को, उसके माइक। तो बहुत सारे डिजीज को फोर में कन्वर्ट करो, एक लिस्ट बनाओ, दाफे सफरा या मुसक्किने हरारत, या तुम उसको मुसक्किने सफरा की जगह, अगर आपको साइंटिफिकली किसी को समझाना है तो बोले ये हमारा एंटी स्टेमिनस, ये हमारी एंटी स्टेमिन, बोल दो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारी एंटी आईजीजी है, ये हमारी आंधी इम्यूनोग्लोबुलिन इसिनोफिलिया को मारने के लिए हमारे पास ये दवा है, आईजीजी, आईजी बोलो। अगर किसको साइंस है तो साइंस से भी समझाओ, लेकिन हमको किसी समझाने के लिए, हमको किसी, आपको किसी को काय को किसी को कन्विंस करना है? सब पब्लिक बोलते हैं यूनानी वाले ये तुम लोग रिसर्च, बोलो बाबा हमारा रिसर्च का, हमारा रिसर्च, हमारी थॉट सब एक एंटरली एक अलग पटरी है वो। तुम तो हमको रिसर्च रिसर्च साइंस साइंस, तो हमारे सर पे जो हम साइंस में उतरेंगे तो परेशान हो जाएंगे। हम अपने में पहले पढ़ाई करो, सरसरी तौर पे हाफ नॉलेज मत रखो, अगर हाफ नॉलेज है तो पीछे हट जाओ। क्यों? जब कोई भी बाकी आते तो पब्लिक पूछते कि कोविड के बारे में डॉक्टर साहब आप अपने तरफ से अपने नजरिया पेश किए, मैं साफ बोलता हूँ इनको, मेरे को उसके बारे में अभी भी मालूमात नहीं, कोविड क्या है, कोरोना क्या, इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करता। अगर यूनानी फ्रेटर्निटी डिस्कस करना चाहे तो मेरी नॉलेज रख के मैं बोलूंगा ये मेरी समझ है इस बीमारी के ताल्लुक से, यू कैन फॉलो दिस, वो ये फॉर्मेट बना के नहीं दे सकते। तो स्किन में याद रखो, एंडी सफरा या सफरा को कम करने पहली बहुत, ये दोनों में सबसे बेहतरीन एक ट्रीटमेंट है फर्स्ट एड के तौर पर, वो है इजामा एंड फसद। उसमें इजामा बेसिकली याद रखो, मैं इजामा ज्यादा प्रमोट नहीं करता, उसकी एक वजह अलग है, इजामा सुन्नत के हिसाब से उसको बहुत सारे काम किया, बहुत सारे लोग करते भी। यूनानी की कोई भी क्लासिकल किताब में हिजामा का जिक्र बहुत ही कम है, जबकि फसद हर जगह पे। अब सफरावी डिजीज में और दम्भी डिजीज में खून की हिद्दत को कम करने की सबसे बेहतरीन एक तरीका है, आप उसको जमा करो, फट करके आपको स्किन डिजीज में रिजल्ट मिलता है, कंपेयर टू बल्गमी एंड सौदावी डिजीज में। ओके okay? दूसरी चीज, मौसम के हिसाब से, या समझो हवा के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, आप आपके हिसाब से क्लासिफाई कर सकते। बच्चों में छिन्न नामों में पैदा होने वाली जितने भी स्किन डिजीज, मॉडर्न में सिर्फ क्लासिफाई किया डर्मेटोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी एंड सम सर्जिकल इश्यूज एंड समझो ये तीन या चार क्लासिफिकेशन है मॉडर्न में, हम बहुत क्लासिफाई कर सकते। पेडियाट्रिक डर्मेटोलॉजी, छिन्न शबाब की डर्मेटोलॉजी, छिन्न कहूलत की डर्मेटोलॉजी एंड छिन्न शेखूवत की डर्मेटोलॉजी, इजीली आपको कोरिलेट कर सकते। पेडियाट्रिक के अंदर जो भी स्किन डिजीज होता है इंफ्लेमेटरी रहता है, एक्सीमा, स्कैबीज, पक गया, जख्म पक गया, सब रुतुबत, रुतुबत कैसे तापमान हो, तो ज्यादातर एंटीबायोटिक की यानी कि सर्द खुश्क दवा की जरूरत पड़ती है, मुंदमिले कुरो हाबिस काबिस, जैसे गेरू है, फिटकरी है, संदल सुर्ख है, संदल सफेद है, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। छिन्न शबाब में ताफुनी बीमारी नहीं होता, एक्ने वल्गैरिस हो गया, बाल तोड़ हो गया,
या टिकेरिया हो गया, फूड एलर्जी हो गया, या कोई जगह पे ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ये सब चीज उसमें ज्यादा हो रहा है। अलग ट्रीटमेंट ही अलग है, सिर्फ सफरा और मौत की जरूरत। अब यहाँ इजामा इज गुड, बच्चे को इजामा की जरूरत नहीं, यहाँ इजामा की जरूरत। अब सिन में काबूलियत में 40-60 में स्किन डिजीज लेके बहुत कम पेशेंट आते, ज्यादातर पेशेंट क्योंकि रुतुबत है ना उस उम्र में, वो खद्दर दर्द, क्या नाम उसके, जोड़ों में दर्द, वो आर्थराइटिस, ये आर्थराइटिस, सुस्ती, बाल सफेद हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब चीज बन गया। स्किन का ज्यादा ध्यान ही नहीं रहते। कुछ लोग जो रहते हैं फिल्म वगैरह में, सीरियल में वगैरह, वो दे विल बी वेरी मोर कॉन्शियस, क्योंकि 40 खत्म हो रहे हैं, बूढ़ा हो रहा है, हीरोइन से अभी माँ बनना पड़ेंगे, या सास बनना पड़ेंगे, या ससुर बनना, ये टेंशन अलग रहती है, क्योंकि उस हिसाब से वो बोटोक्स ये वगैरह जाके ज्यादातर वो जाता है ब्यूटी पार्लर में, या कहीं ब्यूटी पार्लर वाला बहुत ज्यादा आते हैं 40-60 के बीच, खास तौर से फीमेल, मेल बोलेंगे यार कॉन्शियस रहे ब्यूटी से रिलेटेड स्किन प्रॉब्लम का। देखिए कभी स्किन डिजीज का कोई कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्या बोल क्या करे, उनके पास ज्यादातर फटने की, तफरुक की, जैसे सोरियासिस हो गया, पैर फट रहा है, एकाइमोसिस, कैपिलरी ब्लीडिंग हो रहा है, यहाँ रेडनेस, यहाँ रेडनेस, यहाँ रेडनेस, कोई चीज की कमी हो रहा है, रुतुबत की कमी की वजह से रप्चर हो रहा है, फ्रैक्चर हो रहा है, ये सब चीज लेके आते। तो यहाँ भी हम इस तरीके से भी स्किन को, डिजीज को क्लासिफाई कर सकते हैं, उसके हिसाब से भी हम ट्रीटमेंट कर सकते, सीजनल के हिसाब से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। व्हाट सीजनल के हिसाब से, लाइक गर्मी की स्किन डिजीज क्या है, सर्दी की स्किन डिजीज क्या है, शिन्न बहार मौसम में बहार की स्किन डिजीज क्या है, वो हिसाब से ट्रीटमेंट करो। तो यार याद रखो, डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी कैसे ट्रीट करेंगे, द वर्ड सवाल अगर अच्छे से करें, द वेल डिफाइंड सवाल में आंसर रहता है आपकी, यस, आपके आंसर में, सवाल में आंसर है, यानी कि डेफिशिएंसी को हम लोग हमेशा बलगम से मंसूब करता है। बलगम से मुराद क्या है, बरूदत से। तहरीक का मतलब क्या है, हरारत। तस्कीन का मतलब क्या है, बरूदत। तो फिजिक्स में आओ, कोई जगह पे एक वाइब्रेट कर रहा है, उसको गर्म करके देखो, उसको वाइब्रेशन बढ़ता है, उसको गर्मी कम करो, उसकी स्पीड भी स्लो हो जाए। तो जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म हो या डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ये डेफिशिएंसी जगह पे हम क्या बोलेंगे, ये बलगमी है। बलगमी का मुराद क्या है, उसकी जिगर जयीफ है, उसकी मैदा जयीफ है, अच्छे घर का है, अच्छे खाना खाता है, अच्छे अच्छे चीज खाता है, फिर भी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कैसे आ रहा है, फिर भी डॉक्टर जैसे बाबा रामदेव के नाम से बात कर रहे, ठोकते जा रहा है, ठोकते जा रहा है, बाबा बाबा बोल रहे ना, ठोकते जा रहा है, ठोकते जा रहा है इंजेक्शन, तो वैसे बोल रहा है, डेफिशिएंसी होने के बाद में डॉक्टर ठोकते जा रहा है विटामिन, ठोकते जा रहा है, बाबा विटामिन एब्सॉर्ब नहीं हो रहा, तो काहे को ठोक रहा है विटामिन, उसकी को अब्बे मेहदी बोल के दवा दो। मैंने बहुत सारे स्किन डिजीज में, अगर मेरा समझ में नहीं आता है तो मैं क्या करता, उसमें एक अब्बे मेहदी या एक अब्बे कभी नौशादरी या माजुन देवीदल ऐड कर डालते, वो डिफिशियंसी डिसऑर्डर क्या हो गया, खत्म हो गया। देबीदिल वर्थ की वजह से नहीं, देबीदिल वर्थ या अब्बे अजरा की, अब्बे अल्तीत, उसकी कुवत आजिमा, जाजिबा, मासिका और दाफिया, ये चारों कुवत को सही कर दिया। ये चारों कुवत में से अगर एक कुवत भी आपका खराब हो गया, जैसे कुवत दाफिया बढ़ गया, खाना खाते बच्चा बाथरूम में भागता है, जलकुल आमा कहते हैं उसको, उसको भी डिफिशियंसी डिसऑर्डर होता है, क्योंकि खा रहे अच्छे खाना खाया संडास भाग गया, उसको आप नरकचूर दो, मशरूबे आमला दो, या जवारी शाही दो, ताकि उसको सफराइत कम हो जाए, वो सफरा की वजह से उसको डेफिशिएंसी हो रही है, बलगम की वजह से नहीं, उसका सफरा की वजह से पेरिस्टाल्टिक वुमन बढ़ रहा है, भाग रहे, एक को बलगम की वजह से अब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा, वो भी कोते जाजिबा कमजोर हो गया खुश्की की वजह से। तो वहां भी हम नाम रख सकते हैं, ये नहीं कि हम नहीं बोलेंगे यूनानी में डेफिशिएंसी डिसऑर्डर नहीं, यूनानी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं, यूनानी की इतनी एक्सट्रीम मेटाबॉलिज्म कोई भी फिलोसफी में नहीं बताया। कौन सी फिलोसफी में, डाइजेशन समझो पहुंच के एक्शन पोटेंशियल, या समझो सेल्फ मेम्ब्रेन तक पहुंचने के बाद उनकी बात खत्म हो जाती, यूनानी बोलते नहीं बाबा, हर जगह पे काम करने के लिए चार मिजाज चाहिए, हर जगह पे चार अनासिर चाहिए,
हर जगह पे चार कोच चाहिए, हर जगह पे चार टेक्निक के बगैर कुन फाय कुन जो चीज वजूद में आते हैं उसमें चार चीज काम करता है। उसमें कोई भी कुवत कमजोर हो गया या वीक हो गया वो या तो खलल हो जाएंगे या उसके अंदर डिफॉर्मिटी आ जाएंगे या उसके अंदर कहीं ना कहीं तब्दीली आ जाएगी। अगर आपको टीनिया वर्सिकुलर हो रहे, हमने उसको बलगमी अमराज में शुमार किया, हमने समझे ल्यूकोडर्मा को बलगमी अमराज, तो अगर किसी ने मजाक में पूछा ये क्या साइंस है तुम लोग बलगमी अमराज, और बलगमी अमराज के नाक में जे भी बलगमी है कब से, 15 साल से मुझे अभी तक ल्यूकोडर्मा नहीं हुआ, तो सवाल ही नहीं, वही तो पूछेंगे ना, तुम वैसे बातें करते हो, बलगमी है। बलगमी है, सामने वाले इंसान को मत बोलो, उनको बोलो दिस इज अ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। कौन सी डेफिशिएंसी? फंक्शन में डेफिशिएंसी हो सकता है, सिर्फ गिजा में नहीं, आपकी आजिमा बासिक है, ये चार कुवत में भी जयीफी हो सकते हैं, बलगमियत हो सकते हैं, उसकी वजह से आपको ये हो सकते हैं क्या, ल्यूकोडर्मा हो सकते हैं। बैक बैक भी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, वो भी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। ये हम जिद नहीं मान करनी, हमने हमारा उसूल उधर भी है, यहां मेरी बलगमियत का मतलब है आपका कहीं ना कहीं कोते आजिमा में कहीं ना कहीं कमजोरी आ गया, वीकनेस आ गया, इसीलिए आपको कुछ लोग धूप में बिठा देते विटामिन सी विटामिन डी बोल के। तो ये जो चीज है, ये जो चीज अक्सर ये देखने में आता है कि डेफिशिएंसी डिसऑर्डर को बलगमी अगर किसी हाइपर इश्यूज की वजह से हो रहा तो हम लोग उसको सफरा से मनसूब करता है। अब ये जिद अगर पकड़ भी रहे कोई ने तो बोलो बाबा ना ये सफरा भी है, इसका मतलब सफरा से मुराद खिलते सफरा है, सफरा नहीं यानी कि बाइल नहीं है, सफरा से मुराद याद रखो हाइपर एक्टिविटी। अगर आपको एंटी हिस्टामिन बढ़ रहा है या आपको कई जगह पे ब्लीड हो रहा है या कोई चीज के लाइसिस हो रहा है या आपकी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिगर में कई प्राण हो रहे तो वहां सफरा की तोड़फोड़ है। तुम लोग हम लोग क्या करो, हम लोग याद रखो हम लोग फिजिक्स ज्यादा पढ़ना जरूरी है, केमिस्ट्री से हमको कुछ लेना देना नहीं है। केमिस्ट्री से अगर तुम पढ़ेंगे अगर किसी को बहक हो रहा है तो परेशान हो जाएंगे, बहक कहाँ है, विटिलिगो कहाँ है, या किसी के बहक के जगह वो ज्यादा ब्लैक हो रहे तो कभी ये पेशेंट डॉक्टर ये नहीं बोलते तुम्हारा विटामिन ज्यादा हो गया, एक डिजीज है विटामिनोसिस, नहीं बोलते विटामिनोसिस में खाली अड्डे का आता है, कोई डॉक्टर ये नहीं बोलते तुम्हारा विटामिन बढ़ गया तो ब्लैक हो जाएंगे, लेकिन यूनानी वाले बोलेंगे कुछ चीज ज्यादा हो गया तो भी हो सकते हैं। तो स्किन डिजीज के अंदर आप कुछ याद रखो, जितने भी स्किन डिजीज में ज्यादातर दवा गरम दवा नहीं, सब सर दवा है, जरा सोच के देखो, माजिनिस्बा बेबी दिलवर संदल सब गिनते जाओ, जितने भी मुसफियात के अंदर ज्यादातर मुसफियात क्या है, ठंडा है, कुछ मुसफियात गर्म है, मिसाल के तौर पे नीम है, नीम गर्म है, और बाकी बहुत सारे दवा ऐसा है कि जो गर्म, जैसे भी शम्बुल शम्बुल फौर है तो भी एक मुसफ में गिनता है वो। तो मेरे जो लेक्चर था पहले, मुसफी वर्ड को अगर हटा दिया जाए, अगर हम अपने उसूल के हिसाब से कैफियत से देखेंगे तो हम हर बीमारी में हर दवा को स्किन की हर बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किताबों में लिखा है कि जो सिफिलिस है यानी गुनोरिया, बेसिकली गुनोरिया में लिखा है कि सबसे बेहतरीन एंटीबायोटिक गुनोरिया के लिए क्या मालूम, प्योर संदल का तेल एक या दो कतरा नारियल के पानी में अगर पिया तो हमारी नॉरफ्लॉक्स वगैरह फेल है उसके सामने, वो एकदम इंतहाई सर्द है उसके मिजाज, सेम जगह पे सर्द खुश्क और सर्द तर भी बताया गया है यूटीए के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब स्किन डिजीज को पहले तुम गाय मत करो, सब बनेंगे इंशाल्लाह स्किन, तुम कोई भी बीमारी आने के अंदर भले तुम कुछ भी दवा लिख के भेजो, मैं कभी कभी क्या करते हैं मुझे समझ में नहीं आता ये स्किन डिजीज क्या, तो मैं क्या करता हूं पूरा ठंडा दवा लिख के दे देते, क्या लिख के देते, जैसे मशरूबे आमले लिख के दिया, सफूक किसने दिया, देबी दिल वाले, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया स्किन डिजीज क्या। तो दो चांसेस हो सकता है, देखो मेरा आरएनडी कैसे होते, दो चांस, या तो वो एकदम अच्छा हो जाएंगे अगर सफरा की वजह से, या उसका बीमारी बढ़ेगा,
दोनों हालत में मेरे पास आए, अगर बढ़ गया तो ले आई यस, अब मुझे समझ में आया तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। क्यों डॉक्टर साहब, मैं डायग्नोसिस करने के लिए तुमको एक दवा दी थी, जैसे हमने नुस्खे खलेले शिकम देते, समझ में अगर नहीं आया तो ना नुस्खे खलेले शिकम करके बेच देते। तो कभी कभी याद रखो हकीम, अगर तुम्हारे पास अगर हिकमत है, तुमको मालूम है मशरूब आमला ठंडा है, जवारिश हरमस ठंडा है, कुछ मत दो उसको, बोलो मेरा डायग्नोसिस नहीं हो, तुम्हें जवारिश हरमस एक 10 दिन खा के आ जाओ, बाद में सही दवा चला होगा। उसको बोलो मैं रिसर्च ट्रायल एंड एरर नहीं कर रहा है, मैं तुम्हारी मैदा सही कर रहा हूँ, तुम एक 15 दिन जवारी शर्मस खा के, तो फिर आके बोलेंगे डॉक्टर साहब काफी आराम हो, यानी कि इसका पेट भी सही हो गया, यस इसका प्रॉब्लम था सफरा। फिर हम क्या करेंगे, चलो अभी किसने सी चार्ट करो, देवी दिल और स्टार्ट करो, सफरा शिकम दो, सब दो, पहले एक दो दवा दो अगर डायग्नोसिस नहीं हुआ तो। लेकिन ये होना चाहिए उस दवा में, एक गर्म दवा एक ठंडा दवा दिया, एक खुश्क दिया एक तर दिया, ऐसा मत दो। तुम्हारे पास एक चार दवा का एक टूल बना के रखो, टूल डायग्नोस्टिक टूल, यानी पक्का तुमको माले चार दवा का मिजाज किया, वो उठा के दे दो उसको, बोलना 15 डेज के बाद में ये भाई दवा दे रहा हूँ, तुम्हारी आजीमा थोड़ा खराब है, हम लोग हकीम लोग ऐसे पहले पेट सही करता हूँ बोल के, ऐसा बोल के दो। ये नहीं कि मैं तुम्हारे ऊपर डायग्नोसिस मेरा नहीं हुआ, मैं डायग्नोसिस करा रहा हूँ। तो स्किन के लिए जितने भी आपको प्रॉब्लम, बेहतर से बेहतर स्किन डिजीज आप कर सकते हैं, हमारे पास सिर्फ एक नीम, एक हल्दी, एक शैत्रा, एक सरपू का, एक चोपचीनी, ये चार पांच दवा, इस परेशान रहते हैं डॉक्टर साहब, अरे यार पहले जरा आंखों आंख खोल के देखो, स्किन क्यों खराब हो गया, खुश्की है क्या, तरी है क्या, ताफुन है क्या, तफरुक है क्या, ताफुन है तो रुतुबत रहेंगी, ये ताफुन नहीं ये रुतुबत भी नहीं, फिर क्या है, तो वो हिसाब से देखो, या डेफिशिएंसी है क्या, या मेटाबॉलिक है क्या, या इमोशनल, इमोशनल भी आता है खुजली। तो तुम्हारी साइड यस, चार ग्रुप बनाना बेहतर होगा मसूद, ये तो इसमें नहीं मसूद, हर जगह पे चार रखो, सिर्फ स्किन की बात, अगर आप स्किन की कंसेप्ट क्लियर कर दिए तो आप हर चीज का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, हर बीमारी की क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैं बोलते हैं दिस इज समथिंग लाइक मैथमेटिक्स, इसमें गलती होने के चांसेस नहीं, 2 × 2 = 4 पक्का है वो, इसमें गुंजाइश गुंजाइश इसलिए रहते कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या उठा के दे दिए, क्या मैं समझ के क्या उठा के दे दिए। यहां तक मेरे ट्रीटमेंट में भी कभी कभी मैं आड़ा तेढ़ा ट्रीटमेंट देता, हमारे फार्मेसी वाला भी परेशान हो जाता, जो फार्मेसी की वो अक्सर जो स्किन डिजीज, तो ये क्या उठा के दे रहे। कभी कभी बच्चे को भी मैंने, जैसे एटॉपिक डर्माटाइटिस आ रहा है, कभी मैं उसको नीम की गोली या ऐसा कोई, यानी कि सर, यानी कि उसको सुला के, अभी मैं कभी एटॉपिक डर्माटाइटिस में बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं जो स्किन ड्राइनेस में, शरबत है खसखस, जबकि शरबत है खसखस सर्द खुश्क है, लेकिन मुनव्वी में अब किसी को सुलाना यानी ज्यादा सोना बॉडी के अंदर क्या क्रिएट करते हैं, रुतुबत, उससे उसको खुजली हो रहा है, ज्यादा झागना खुजली और सफरा बढ़ता है। अब हमारी मकसद उसको सुलाना नहीं, हमारी मकसद सुला के उसके अंदर बॉडी में रुतुबत बढ़ाना है, ताकि उसको स्किन की टेक्सचर सही हो जाए, समझा। तो कभी एक स्टेप दो स्टेप लेना पड़ेंगे स्किन तक पहुंचने, कभी एक स्टेप काफी है, यानी कि मुअद्दिलात दे दिया सफरा सही हो गया, कभी दो या तीन स्टेप, जैसे चेस में 3 या 4 4 या 5 स्टेप खेलना पड़ता, तब हम जाके अपने रियल मकसद में पहुंचता है। तो अगर मैं डीप में जाएंगे, ये दिमाग में याद रख, ये थोड़ा सा निकाल डालो, क्लीन करो, सिर्फ नीम से हमको खेलना, सिर्फ मुसफिया से खेलना, सिर्फ हल्दी से खेलना नहीं, हमको हर चीज से खेलना, हर चीज से खेलना, मट्टी से भी हमको इलाज करना है, मट्टी भी अगर लगा दिया, मड थेरापी भी, उससे भी हम इलाज कर सकते हैं, कभी कभी बटर से भी, कभी कुछ बोलते डॉक्टर खुश खुजली हो रहे, बोलते सिर्फ बटर खाओ, एक दो बटर की पीस सुबह शाम का, हाँ डॉक्टर खुजली कम हो गई, क्योंकि खुश्की की वजह से ही हो रहा था। नीम को ठंडा, नीम गर्म है, ज्यादातर लोग नीम को गर्म, ये जो मैं अक्सर मजाक में कहते हैं कि जो जो नॉन कौम है, जो जिसको हम मुस्लिम या मुसलमान नहीं मानते, जो नॉन कौम का जो एक मेन दरख्त है नीम, और हम लोग सबसे ज्यादा मानते हैं किसको मालूम, मेहंदी को,
जबकि नीम से ज्यादा बेहतरीन चीज है मेहंदी। हम लोग खाली मेहंदी को लोकली एंटीसेप्टिक समझता है। मेहंदी की पत्ता पाउडर बना के कैप्सूल में भर के खा सकते हैं क्योंकि ठंडा है वो। मेहंदी की पत्ता कोई भी सफरावी डिजीज के लिए बेहतरीन है। सेलुलाइटिस के लिए मेहंदी की पत्ते जाड़ की जो क्या नाम उसका रूट आता है उसकी जड़ उसको जो आर्थराइटिस बोलते हैं आर्थराइटिस आर्टरी का इन्फ्लेमेशन सीवियर पेनफुल रहते स्टीरोइड और एंटीबायोटिक से स्किन स्पेसिस परेशान रहते 40 दिन अगर उसको तो डिकॉशन बना के देखो हील हो जाते। तो हम लोग क्या करेंगे अभी तो मैं फिलोसफी बताऊं स्किन डिजीज की इसकी ट्रीटमेंट एस्पेक्ट में थोड़ा और मजीद जानने की कोशिश करेंगे। कुछ जगह पे हमने जो किताबें पढ़ते उसको बोलते असरारी नुस्खा कहते हैं। असरारी नुस्खा सदरी नुस्खा असरारी नुस्खा या सन्यासी नुस्खा बोल के बहुत सारे नुस्खा मिलते हैं। इतना इतना हंसी आते कभी कभी कि ये सब चीज के अंदर कितना जैसे भी एक जगह पे लिखा जो दीमक आता है ना दीमक जो दरख्त में जो दीमक जो सूखा लकड़ी में नहीं जो जिंदा दरख्त में भी दीमक चढ़ जाते हैं ऊपर। तो किताब में लिखा है कि वो मट्टी वो जो दीमक की जो मट्टी है उसको कलट करो। उसको कलट करके थोड़ा सा एक दो जैसे हाथ में लेके उसको पाउडर करके उसको पानी में डाल के रखो सुबह और सुबह रात में पानी में डाल के रखो सुबह उसको ऊपर का पानी पियो। कई के लिए मालूम सरतान के लिए एक असरारी नुस्खा है और इसके बारे में ये कहते हैं कि मुजरब और असरारी नुस्खा सिर्फ वो पानी पिलाना। मैंने जमा करके एक दो जन को दिए थे एक में मुझे दो में इसको काफी फायदा मिला। एक तो एक्सट्रीम केस था फिर मैंने इसको अपनी थॉट एक्सपेरिमेंट हमेशा याद रखने का यूनानी में आप लोग कोई भी जगह पर रिसर्च करने के लिए लेबोरेटरी की जरूरत नहीं है। यूनानी में रिसर्च के लिए आइंस्टीन के जैसे थॉट एक्सपेरिमेंट न्यूटन के जैसे जितने भी फिजिस्ट ने किया थॉट एक्सपेरिमेंट आपको जरूरत पड़ती है। अब मैंने थॉट एक्सपेरिमेंट किया तो मैं कहाँ पहुंचे अच्छे अच्छे सागवान की शीशे की जैसे सागवान शीशे की लकड़ी को ये लोग मट्टी में कन्वर्ट कर रहे और भी इतने छोटे से कीड़ा। तो हमको ये देखने की उनकी सलाइवा में या उनके मुंह में कौन सी ऐसी केमिकल है इस चीज को खत्म कर रहे हैं यानी कि कीमो से ज्यादा कीमोथेरेपी से कीमोथेरेपी की ड्रग अगर आप सोने पे डाल दे सोना टूट जाएंगे। अब इसकी जो फुजला है या मुंह से जो डाइजेस्ट करके निकाल रहे मट्टी नीचे से थोड़ी लेके जा रहे हो वो वुड खा के उसको उसका फुजला टाइप की है वो मट्टी उसके अंदर कहीं ना कहीं उसकी सलाइवा तो रहेगा। अब हम क्या किया उसको पाउडर करके पानी में डाल दिया वो जो केमिकल है वो पानी में आ जाता है उसको हम पिला रहे। देखो पुरानी दौर में किसी ने थॉट एक्सपेरिमेंट करके दिया होगा ये ऐसा थोड़ी उसको किसी ने बताया होगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज थॉट एक्सपेरिमेंट। ये आप ट्राई कर सकते क्योंकि कोई ना कोई एक एंजाइम है उसके अंदर जो सागवान की शीशम की लकड़ी को तहलील कर सकता है तो कैंसर को भी तहलील करने की सलाहियत अंदर है उसके अंदर। गौर करने वाले को फिक्र करने वाले को इशारा काफी है जरूरत नहीं पड़ती। ओके तो ये सब ठीक ऐसा है कि आप जितना जितना उतरेंगे उतना उतना हमको मालूम पड़ता है कि हमारी ये कितना कम है। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कुछ पूछना है पूछ लिया और बाकी ग्रुप में डाल दीजिए कैसे लग रहा लेक्चर कुछ जगह पे। ये अभी आप लोग जो टाइप करके मुझे सवाल पूछे मैं पढ़ते पढ़ते गायब हो रहे। तो आप लोग तीनों जो अपने ग्रुप है सर मैं ये थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि जो ब्लैक फंगस हो रहा है, अगर यूनानी कॉन्सेप्ट से देखें तो जहां पर नमी मौजूद है वहीं पर फंगस पैदा होगा। तो अगर जिन लोगों को ऑक्सीजन मास्क लगा है या वेंटिलेटर गए हैं, उसका कसरत से इस्तेमाल हुआ तो जो नाक का जो टेम्परामेंट था वो ऑटोमेटिक चेंज हो गया, जिससे ब्लैक फंगस जमने लगा। तो क्या इसमें ऐसी दवाएं दी जाए जो नमी दूर करने वाली हों, जो इसमें कारगर होंगी? यस। डॉक्टर साहब एक अच्छी सवाल किया आपने। बेसिकली जब हम लोग जब बायोलॉजी पढ़ते थे तो
तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, डबल सेल, ये बैक्टीरिया, वायरस, आल्गे, फंगस, फिर मल्टी, ऐसे हमने क्लासीफाई किए थे। फंगस एक्चुअली पपूंदे, पपूंदा मतलब समझो फंगस, कुकुरमुत्ता, ये सब फंगस वैरायटी है, छोटा है बड़ा है। यहां तक कि आप एक एक कपड़ा सुखा के, एक कपड़ा गीला कपड़े को सर पोंछ के डाल दो, 1-2 मिनट या 1-1/2 घंटे के बाद में उसके अंदर से बास मारना शुरू हो जाती। बाद में उसके अंदर क्या होते हैं कि नमी की वजह से फंगस, कलर, शक्ल, सूरत, स्मेल, सब 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 आप चेंज होते जाते। एक चीज आप सुखा के रखो, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद में भी उस टॉवल को सूंघ के देखो, उसके अंदर कोई ना कोई ताफुनी या कोई किस्म की ग्रोथ, फंगस नहीं होते। इंसान के अंदर भी उठा के देखो, सबसे ज्यादा जो तरी होता है, जिसे बगे ले जा पसीना होते हैं, सबसे ज्यादा टीनिया क्रोरी से, टीनिया कैपिटी से, ये जहां जहां ज्यादातर जो टीनिया अक्सर होता है, किधर मालूम, फंगल एरिया, यानी कि नमी हो जहां, वहां फंगस होता है। दूसरा, आजकल ये जो फंगस की एक सबब क्या है मालूम, ये आजकल फंगस की सबब एक होता है सुपर इन्फेक्शन, हम लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ा हुआ, सुपर इन्फेक्शन यानी कि बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया है, इवन स्किन में भी लाखों बैक्टीरिया है, उसमें कुछ कॉमन सेल्स भी है जो हमारे लिए यूजफुल है, और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए मुजिर भी है। वैसे स्टमक के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए, डाइजेशन में मदद करता है, क्योंकि कोई आप देखते हैं बाहर कोई जानदार कुत्ता या बिल्ली मर गया तो जल्दी सड़ जाते, तो सड़ने की अमल भी कुदरत का एक अमल है, वो उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस है। अगर दुनिया में वायरस बैक्टीरिया नहीं रहा होता तो सड़ने का अमल नहीं होता। अब आप देखो दुनिया में 2/3 वाटर है, समुंदर है, समुंदर में ताफुन नहीं होता। अगर समुंदर में ताफुन होता तो हम लोग कभी इधर दुनिया में रहना, जिंदा रहना महाल नहीं होता। अल्लाह ताला ने समुंदर को, अब कभी सोची नहीं, अल्लाह ताला ने समुंदर को अगर समझो मीठा पानी, अगर सही पानी रखा तो कितना अच्छा था। समुंदर को सलाइन वाटर, नमक रखने की वजह क्या है, क्योंकि नमक सर्द खुश के खुश्की हमेशा ताफुन को रोकता है, इसलिए जमीन इसमें ताफुन नहीं होता है। अब जमीन की बात अलग है, जमीन में जरा भी नमी भी अगर एक्सट्रीम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स अगर इस्तेमाल किया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेट्रासाइक्लिन जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से बॉडी के अंदर से बहुत सारे कॉमन सेल्स बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, दैट इज लीड्स इन टू सुपर इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन। इसलिए अक्सर तुम देखते होंगे डायबिटिक पेशेंट को ज्यादातर फंगल इन्फेक्शन होता है, एक तो उसकी कोते मनात कमजोर होते हैं, और बहुत सारे बीमारी से हम लोग बिस्तर पकड़े अस्पताल में थे 10-15 दिन के बाद में दुनिया भर की स्टीरोयड, इम्यूनो सप्रेशन, ये सब दवा खा खा के जब घर पे आते, इसका स्किन देखो तुम, स्किन की टेक्सचर, स्किन की खराब हो जाती। तो यहाँ एक तो आपने जो बताया ऋतु भी या रुतुबत इज वन ऑफ द मोस्ट, इसमें भी फंगस का भी अक्सम है, ब्लैक फंगस, व्हाइट, अभी येलो आएंगे, फिर वो गोल्डन फंगस आएंगे, परेशान। एक मजमुई तौर पे हम अगर समझ में आए कि फंगस की वजह क्या है, किस एरिया में होता है, किस मिजाज में होता है, तो हम मजीद तौर पे बता सकते हैं नो डाउट फंगस का एक वजह, ये नहीं कि सिर्फ एक ही वजह हो। हमेशा याद रखना दुनिया में कोई भी बीमारी एक वजह से नहीं होता, दुनिया में एक बीमारी एक वजह से अगर होता तो हर बीमारी में सिर्फ एक दवा काफी होता है, मुख्तलिफ वजूहत से आदमी बीमार पड़ता है। तो यू कैन से देयर इज वन चांसेस ऑफ ह्यूमिडिटी, नंबर वन, एक्सेसिव इनटेक ऑफ एंटीबायोटिक एंड स्टीरॉयड, सेकंड चांस, जनरल इम्यूनिटी या कोई डेफिशिएंसी, थर्ड चांस, ये सब मिलके फंगस होता है। तो कभी कभी हम लोग को ये नहीं बोल सकते बाबा मेरे पास एक फंगल का दवा मैंने इजाद किया, फंगल का इजाद किया होगा लेकिन किस वजह से फंगल आ रहा है उसका तो आपने कोई इजाद ही नहीं की। थैंक यू, आई होप यू सैटिस्फाइड। हेलो सर, असल मिलेज्मा, मिलेज्मा के लिए क्या करते हैं सर? किसका? हेलो, मिलेज्मा फेस तो हो जाता है सर, वो क्या थोड़ा सा भी जो है धूप के
कांटेक्ट में आते हैं लोग तो चेहरे पे झाई हो जाता है मिलेज्मा। ओके डॉक्टर तो सर उसका कोई, साहब, जी सर वो ठीक नहीं होता मेलेस्मा है। एक्चुअली मॉडर्न के हिसाब से भी उन लोग डेफिशिएंसी बोलते हैं, विटामिन B12 का इंजेक्शन देते हैं 10-15 दिन कंटिन्यूस। तो कुछ लोग विटामिन B12 से, कुछ लोग उससे अच्छे होते हैं। यूनानी के एतबार से ये एतराक है। क्या है एतराक? अभी एतराक की वजह बहुत सारे वजह है। अगर आप नमकीन आइटम या नमक का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, गरम मसाले का, तो आपकी प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी चीज, आपके अंदर सनलाइट या सूरज की रोशनी, वो भी मिजाज तो एक ही है ना सूरज की रोशनी का भी। ये दूसरा, एक्सेसिव जागने से जिगर में हरारत, मेलास्मा सौदा भी है क्या, किसी ने पूछ रहा है, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। दूसरा, एक्सेसिव जागने से। हमारे गांव में कहावत है, जब आदमी बहुत सारे परेशानी में मुब्तला होता है, घर में बहुत परेशान होते हैं या परेशानी के ऊपर परेशानी आते, तो मेलस्मा आते बोलते, तो कुछ तो हाँ भी बोलते, सही भी बोलते, क्या रे बहुत परेशान है, या दिमागी फाइनेंशियली मेंटली इमोशनली, तो भी मेलस्मा एक कहावत है गांव में बोलते, कि वो जब आदमी बहुत ही चारों तरफ से आदमी कोई परेशानी आती तो मेलस्मा। तो कुछ लोग को मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की इश्यूज की वजह से हरारत बढ़ गया, कभी कभी मेनोपॉज की तरफ चले जाते हैं तो भी होते। इसमें क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं, ज्यादातर एक एक हाइपर एक्टिविटी है, एक एतराक है। अगर बलगम में भी एतराक हो, सौदा में, सौदा के अंदर भी एतराक हो सकते हैं, सौदा सौदा भी सौदा कहते हैं, बहुत सारे एतराक के बाद में वो जाके ब्लैक इख्तियार करते हैं, यानी कि लास्ट वो सौदा की शक्ल इख्तियार करता है, समझा? सौदा की शक्ल इख्तियार की ब्लैक होने की वजह से। इसके लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज लोकली अप्लाई करने के लिए दे दी, चलो ठीक है अप्लाई करने को दे दिए, लेकिन हमने अगर सबब का इजाला नहीं किया तो 10-15 दिन में वापस आ जाते। तो उसके लिए बेहतरीन एक ट्रीटमेंट अभी बताता हूँ, मैं डीप में नहीं जाना चाह रहा। मुर्दार शंख एक पत्थर आते हैं, हर दुकान में मिलते, बहुत हेवी रहते हैं, गोल्डन कलर रहते हैं, मुर्दार शंख, ओके, वो सस्ता है और बहुत इतना हेवी, ऐसे लगता है एकदम सोना है, चमकता है वो। उसको ना करल में डाल के या कोई भट्टी में डाल के फाइन पाउडर, बहुत जल्दी फाइन पाउडर रहता है और वेरी हेवी रहता है वो, 1 ग्राम भी ऐसे हाथ में लगा, ऐसे लगा 1 किलो हाथ में, उसको फाइन पाउडर करके रखो। उसको क्या करो, थोड़ा सा एक चुटकी डालो उसमें, थोड़ा सा क्या नाम उसका, नींबू एक दो कतरा डाल के इसको पेस्ट बनाओ और लगा डालो, वो चले जाते। एक नुस्खा बहुत इजी है वो, तो आप ट्राई करके अगले लेक्चर में मुझे बता सकते। दूसरी एक नुस्खा, ग्लिजरीन जो है, ग्लिजरीन, पीएच की बात करता हूं मैं क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। ग्लिजरीन में सोडा बाइकार्बोनेट, अगर आप सोडा बाइकार्बोनेट नहीं मिले तो आप कुर्से अल्कलून ले लो, कुर्से अल्कलून को पाउडर करके ग्लिजरीन में मिक्स करके लगाओ, तो ये जो मेलस्मा चले जाते। यही कुर्स अल्केलिक पाउडर करके दांत घस के देखो, दूध के इसे चमकेगा वो, आपकी दांत इतना जबरदस्त है। पाउडर करो कुर्से अल्कलून को, बोलने का 2 दिन दांत घस के आओ, वो खुद परेशान होंगे कि मेरे दांत इतने साफ थे। तो एलर्ट के ऊपर बताइए। ये जो मेलस्मा है, ये एक्चुअली आप इसको लगाओ, ये क्या नाम उसका, ग्लिजरीन पे सोडा का टैबलेट या सोडा बाइकार्बोनेट आपको मिलता है खरीद, उसको मिक्स करके उसके ऊपर लगाओ, तो आपकी पूरी मेलस्मा चले जाती। ये दो खाने के लिए चीज, क्या दें सर? सॉरी, खाने के लिए सर क्या दें खाने के लिए आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, अभी मैं ही ला रहा हूँ। तो ये दो चीज हो गए एक्सटर्नल। इंटरनल सबसे बेहतरीन चीज है शरबते उन्नार या शरबते दीनार, जिगर का इस्लाह करो, साथ में देबी दिलवर्त मॉर्निंग, रात में माजून नजा, बस खलास। पेशेंट को ये बोलो आज खा के कल नहीं जाएंगे, क्योंकि ये महीनों से सालों से बना के, बोलने का 3 महीना पहले एडवांस उसको एंटीसिपेटरी बेल ले लो, उससे बेल ले लेना पहले से, बाबा 1-2-3 महीना ले, हाँ वो चलेगा, क्योंकि कॉस्मेटिक में कितने भी खर्चा करेंगे वो। बोले 1 महीना, बोले कि फोटो निकाल के रखो, बोले मैं हर स्किन डिजीज को आते जो कॉस्मेटिक, बोले खुद मोबाइल में 1-2 फोटो निकाल के रखो, बोले 2 हफ्ते के बाद में, 3 हफ्ते के बाद में उनको बुलाओ, 3 हफ्ता दो बेसिकली,
दो हफ्ते की जैसे 3 हफ्ते स्किन में ज्यादातर ज्यादा लंबा चौड़ा दे दो अक्यूट अगर नहीं है तो, क्योंकि वो फिर हमारा सर खाएंगे डॉक्टर बिल्कुल आराम नहीं इतना पैसा खर्चा किया। तो 3 वीक के बाद उसको फोटो निकाल के देखो। इसमें भी आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। शरबत अहमदशाही अच्छा रिजल्ट होता है कि सौदा को निकालता है, जो हमारी शाही बहुत बेहतरीन काम करता है, समझा। तो याद रखो मैदा और जिगर का इसलाह करो, इसकी इसलाह करने के बाद में आपको उसको रिजल्ट मिलेगी। ओके थैंक यू। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सर इलाज इलाज बताइए। पिछले हफ्ते का फाइब्रोएडिनोमा के बारे में इलाज बताया था सर। हेलो हाँ बोलिए। जी सर, हब्बे रसूत और इत्रफल सनाई मेफसिल और सातरा के बारे में। सर एक चीज समझ में नहीं आती है कि जब आप सर ट्रीटमेंट बताते हैं तो कई बार मैं देखता हूँ कि सर कुछ बारीक अद्वियाँ हैं और कुछ गर्म अद्वियाँ हैं, तो दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रही होती है। और सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आती। दूसरी चीज ये है सर, कोई भी ग्रोथ जो होती है सर वो गर्म की वजह से होती है, गर्म और रतब की वजह से। तो हम बारीक अद्वैया हब्बे रसूद वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ग्रोथ कम हो जाती है, जैसे एडिनोमा या फाइब्रॉयड है। तो यही चीज सर जो एक्सप्लेन कर दे सर आप ज्यादा बेहतर। देखो अभी आप खाना खा रहे हैं, बहुत सारे चीज रखे खाने में है ना, टेबल में आपने हल्दी में दही रखा है, गोश्त रखा है, गरम रखा, पल अलग अलग मिजाज की, फिर भी हम लोग खा लेते, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। कभी कभी क्या होता है अभी जैसे मेफसिल वगैरह जैसे गरम गरम दवा देने के साथ में उसकी गर्मी की वजह से उसको मजीद प्रॉब्लम न होने के समझ के हम लोग कभी किसनी या शरबत दीनार उसको एक सपोर्टिव मेडिसिन एक एडजोइन के तौर पे कभी कभी एज ए बतरका के तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि उस चीज को ऐड कर लेते। लेकिन अगर ओवरऑल कुली तौर पे मिजाज देखेंगे तो उसकी ओवरऑल एक गलबा रहेंगे, एक मिजाज का बीमारी की जिद में एक गलबा रहेंगे। एकदम आप एकदम ऑपोजिट मिजाज की दो दो दवा देंगे तो शायद वो काम करना छोड़ देंगे या काम बहुत कम करेंगे। तो हमेशा याद रखने का, जैसे अभी मेरा मिजाज सौदा है लेकिन मेरे अंदर बहुत सारे ऑर्गन है, गर्म ऑर्गन है, लेकिन मेरी जो सामने आपके ऊपर जो मैं इजहार कर रहा हूं, आपने जो मालूम कर रहा है, वो एक अलग मिजाज। अभी जैसे अपने अलाउद्दीन भाई डॉक्टर अलाउद्दीन जब यूनानी की बात आते तो उसके अंदर सफरा और उसके अंदर जोश और पूरी इतना उसके अंदर मतलब एनर्जी आ जाते, वही अलाउद्दीन की दिमाग ठंडा है क्योंकि बारिद रतब है, समझा। उसके अंदर क्या चीज गालिब है वो जाहिर होता है, क्योंकि इसीलिए कहते हैं एसेंस इज इंपॉर्टेंट नॉट द फॉर्म। अगर तुम एक मुसलमान है तुम्हारे पास बहुत सारे टूल है दिखाने के लिए, दाढ़ी है, पेशानी पे नमाज की निशानी है, टोपी है, और अंजुवक्त नमाज पढ़ रहे हैं, जकात है, ये दिखाने के लिए बहुत कुछ है। अगर इसके सबके ऊपर भारी है तुम्हारा ईमान, अगर तुम्हारे ईमान ज्यादा वजनदार है, ये नहीं, ये सब खोखला है, तो वैसे हम कोई चीज अब दे रहे तो जो वजनदार जो चीज वो गालिब होगा, उसी से वो चीज असर करेंगे। आई थिंक आप सेटिस्फाइड है मेरे जवाब से। जी सर, समझ तो रहा हूँ सर ये चीज़। तो सर ये फाइब्रोएडिनोमा या जो ग्रोथ होती है सर, उस पर क्या करेगा? देखो फाइब्रो अडिनोमा एक गोश है, एक्चुअली एक 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 गोश भी नहीं बोल सकते, एक एक्सट्रीम ग्रोथ है, ये एक रुतुबी ग्रोथ है, ये सिर्फ रुतुबी नहीं, रुतुबत के साथ में थोड़ा हरारत भी चाहिए। ग्रोथ कौन देता है? हवा के जैसे फैलता है, फैलाव कौन करता है? हवा। आग भी फैलता है लेकिन आग को एक लिमिट है, बाउंड्री है, हवा में बाउंड्री नहीं। तो जो चीज एक्सेसिव फैल रहे तो याद रखने का ये हवाई है यानी कि दम्भी है। तो यहां या तो सर्द खुश्क दवा चाहिए या गर्म खुश्क दवा चाहिए। अगर मरीज सफरा भी है तो गर्म खुश्क मत दो उसको, सर्द खुश्क दवा दो। ये बलगमी को अगर समझो फाइब्रो एडिनोमा हुआ तो आप इंतहाई गर्म दे सकते, कोई मसला नहीं। दिस इज व्हाट इज सुपर स्पेशलाइजेशन। आदमी क्या मिजाज का है, बीमारी किस मिजाज का है, और आपको जो दवा दे रहे हैं वो किस मिजाज की, तीनों मुझे जानना जरूरी है। ये नहीं कि आप हर दवा का मिजाज जानते हैं लेकिन मरीज का मिजाज नहीं जानते, मरीज का मिजाज जानते हैं, एक्सपर्ट हो गए, नस पकड़ के सब बोलता है, लेकिन एक एक बीमारी की माहियत नहीं जानते, कोई फायदा नहीं। ओके बहुत जी सर, थैंक यू बहुत सर। शुक्रिया। सर किलाइड हेल्दी वेव एकेडमी, सॉरी अब जो है हमारे क्वेश्चन आंसर का सेशन कुछ थोड़ा सा टाइम ओवर की वजह से ग्रुप पर सर ले लें अभी आंसर। मकसद एक काम करें, ये लेक्चर जो है ना स्किन को नेक्स्ट जो सेक्शन अपन
सिर्फ क्वेश्चनेशन को रखेंगे जी जी सबके साथ जो मसला है सिर्फ क्वेश्चन। हेलो सर, सर इसमें इस्लाम क्या? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो जी? अल्लाह का शुक्र है सर। फैमिली वगैरह सब अच्छे? डॉक्टर बोलो सर। ये स्टेज सब डिजीज हमें ये बताए प्लीज, क्योंकि उसी टाइम हम ये कर सकते हैं कि स्टेज ऑफ ये है मिजाज, अगर हमें पता हो स्टेज ऑफ डिजीज क्या है तो उस टाइम हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं समझा नहीं डॉक्टर, थोड़ा सा और वजाहत सर। डिजीज के मिजाज ये स्टेज भी होते हैं ना? यस यस सर, उसी के हिसाब से हम मेडिसिन ट्रीटमेंट दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परामेंट। टेम्परामेंट और हर बीमारी का भी एक उम्र भी होता है ना। जी मिसाल के तौर पे मर्ज इब्तिदा इंतहा इन्हितात, चार दर्जा है मर्ज इब्तिदा तजयुद इंतहा एंड इन्हितात, सब में एक ही बीमारी है लेकिन चारों वक्त में अलग अलग ट्रीटमेंट करता है। जैसे आपको कोई पोड़ा पोड़ा और है जैसे हुआ नहीं, जैसे भी आंखों के इधर स्टाई आता है टेरिजियन, तो हम लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी गर्म करके रख देते, तो दो दिन दो पार लगाने से फिर वो पचक जाते। अगर आपने रखा नहीं, अगर आपके पास एक बड़ा बॉयल आ गया आंखों के ऊपर टाई आ गया, फिर आप गर्म करके रखेंगे वो सेप्टिक हो जाएंगे, फिर आपको इसको फिर क्या चाहिए, फिर उसमें आपको सर्द खुश्क दवा चाहिए ताकि मजीद न बढ़े। पहले हमने गर्म दवा दिया, फिर बाद में हमने सर्द दिया, अभी अभी फटने वाले, अभी हमको मुफज्जिरात चाहिए सर्द खुश्क। यानी हर मौके पे मिजाज बदल रहे, बारीकी की चेंजेस है वो। जिसका मिजाज और कंसेप्ट और तकवा परफेक्ट हो जाएंगे उसको बहुत मजा आएंगे इसमें खेलने में। किसी ने कीलॉइड की बार बार बात करा था, कीलॉइड बेसिकली एक एक्स्ट्रा ग्रोथ है, वो एक्चुअली वो हाइपर एक सफरावी बोल सकते हैं, सफरावी और दम्बी के बीच का एक ग्रोथ है, स्टिमुलेशन की वजह से होते, एक ऑटो इम्यून डिजीज भी बोल सकते हैं। कुछ लोग हर 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 आदमी में नहीं होते, कभी किसी को अगर सर्जरी हो गया बड़ा, तो पुराने जमाने में ओपन हार्ट सर्जरी करने इतना तो बड़ा मतलब उसके ऊपर कीलोइड फॉर्म आता, जलने के बाद में कीलोइड होता है, कुछ लोग को जो वैक्सीनेशन की वजह से कीलोइड होते हैं। कीलोइड बेसिकली सर्द खुश्क दवा से इलाज करो, क्योंकि हमेशा कुजाते हैं, हाथ भी लगाया तो उसकी साइज बढ़ता है, उसको बिल्कुल हाथ मत लगाओ, उसको जितना तुम सुकून के तरफ लेके जाएंगे उसकी ग्रोथ को कम करने के लिए, कभी गर्म दवा इस्तेमाल नहीं करने का, कभी गर्म तेल इस्तेमाल नहीं करने का, कभी गर्म ऑइंटमेंट नहीं लगाना। सर्द खुश्क अंदरूनी तौर पे, सर्द खुश्क बैरूनी तौर पे, ताकि उसकी ग्रोथ को प्रमोट ना करे, डिमोट करे। ओके काफी लोग थे 150 डॉक्टर माशाल्लाह सर, कॉन्ग्रेचुलेशन हेल्दी वेव एकेडमी। दिन पे दिन सर आपके जो कंसेप्ट हैं, हमारे डॉक्टर लेबलिंग डॉक्टर नहीं रहेंगे इंशाल्लाह, आपकी सुपरविजन रहेगी। आपका हमेशा हर लेक्चर में एक ही कंसेप्ट है, लेबलिंग हटना चाहिए। वेरी गुड, लेबलिंग हटना चाहिए। और हमारा भी यही है कि लेबलिंग हटने के साथ साथ अब जो हमारे ऐसे डॉक्टर जुड़ रहे हैं कि जिन्होंने एलोपैथ के अलावा यूनानी कभी नहीं देखा था सर, और आज की डेट में तीन प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए जो हमारे शुरू से चल रहे हैं वो सुपरविजन में आज वो लेबलिंग डॉक्टर से हटकर आज कंसेप्ट ऑफ यूनानी पर सर आ रहे हैं। बहुत बड़ी मुबारकबाद है सर ये एकेडमी के लिए, और ये वर्ल्ड की एकेडमी बन चुकी है सर आपकी सुपरविजन में। बस हम यही दरख्वास्त करेंगे सर कि एक थोड़ा सा एक हमारा जो एक टूर है उस टूर के लिए आप दुआ कर दीजिए तहज्जुद में कि वो टूर जो है केरला का एक सक्सेस टूर जो है लग जाए, क्योंकि हर बार कोरोना आ जाता है और वो जो आपकी जो घाटी है वो फोटो में दिखती रहती है, तो बच्चे भी डिप्रेस हैं लॉकडाउन में। तो वो एक्चुअली वो टूर कैफियत में फिक्स कर चुकी है, फिर कैफियत में मतलब उसकी बीज डाल चुकी है, अभी उगने की बात है, वो कोई प्रॉब्लम जी दैट इज डन। ओके थैंक यू, जरा फीडबैक दे दीजिए अगर ग्रुप में डाल दीजिए सब लोग लेक्चर में क्या क्या कुछ करना चाहिए। अभी नेक्स्ट लेक्चर में खाली हम क्वेश्चन आंसर रखेंगे, मैं बात नहीं करेंगे, तुम लोग करेंगे और उसके जवाब मैं देंगे। ओके सर, एक बात सर, सर मुझे ये बात करनी थी, जैसे आपने बार बार कहते ना दो बार में डिफरेंशिएट कीजिए हार और बारीक में, तो इस पर सर मजीद थोड़ा सा पेशेंट के ऊपर, पेशेंट कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये हार है कि बादी है, बारीक है या दमी है सफरावी है, सर इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही।
मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो ये जो यूट्यूब वीडियो है अकीम केटी अजमेर के नाम से, उसमें पूरा हम लोग ये जो अरकान जो हम लोग कॉलेज में नहीं पढ़ा उसके हटके एक अलग स्टाइल में मिजाज वो पूरी की पूरी तफसील मैंने एक बार दे चुकी, वैसे इंशाल्लाह मैं बार बार रिपीट करेंगे उसको, मिजाज क्या है सब चीज की कैसे वो अगर पूरा मतलब बार बार सुन सकते, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, सब 20-25 मिनट का है, अभी कभी भी एक दिन में अगर जितने भी इस ग्रुप में सब उसको प्रमोट करो, सबको बोलो मैक्सिमम उसमें एनरोल करो ताकि नए नए वीडियो होते रहे, उसके बाद में डिस्कस करें और मजा आते। जैसे कि इसमें कुछ लोग एकदम ये सब चीज के अंदर तकवा रखते हैं, कुछ लोग एकदम लो लेवल पे, तो मैं ये चाह रहा कि सब ग्रुप एक साथ चले, कुछ लोग एकदम पीछे रहे कुछ, नहीं तो वो मजा कम हो जाएगा। तो ये चीज को थोड़ा सा आप यूट्यूब में जाके जो फंडामेंटल फिलोसफी है यूनानी की वो थोड़ा सा ब्रशअप करो। ओके थैंक यू सर। हेलो डॉक्टर साहब बोलिए जी। फंगल इन्फेक्शन के लिए सर जो आजकल जो एक बहुत कॉमन है जेनिटल ऑर्गन में, इसके लिए मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब कुछ थोड़ा सा इसके लिए ब्रीफ कर दें प्लीज। एक वन मिनट डॉक्टर साहब, सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं नहीं रुको, अभी बता रहे हैं सर, वन मिनट वेट करिए। यस आया। क्या बोल रहे डॉक्टर साहब? फंगल ना सर, ये फंगल इन्फेक्शन जो बहुत ज्यादा कॉमन है खासतौर से जेनिटल ऑर्गन में, इसके काफी ज्यादा पेशेंट रहते हैं, इस पर हम क्या करें, इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए प्लीज। देखो फंगल के हिसाब से अगर तुम जो लेबलिंग करे मॉडर्न के हिसाब से, टीनिया क्रोरिस, टीनिया कैपिटिस, टीनिया वर्सिकुलर, टीनिया ओनाइका, बहुत सारे, मैं उसपे नहीं जाना चाह रहा। ये बेसिकली आपको सबसे बेहतरीन एक कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ। मरहम कूबा इज बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर कॉमनली यूज करने के लिए, सबसे बेस्ट दवा है मरहम कूबा जी। मरहम कूबा को रोगन कमीला में मिक्स करके लगाओ, वेदर इट इज क्रोरा क्रोरिस जो अंडरवेयर के एरिया में या अपनी ग्रोइन रीजन में स्क्रोटम की टेस्टिस के नीचे साइड में जो होते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट है मरहम कूबा रोगन कमीला में मिक्स करके, और साथ में अंदरूनी तौर पर उनको देना जरूरी है माजून उश्बा एंड माजून नजा, ये दो रात में 10 ग्राम नजा, सुबह 10 ग्राम माजून उश्बा। अगर ये माजून खाना नहीं चाहते तो उसको आप उन्नाब दे सकते हैं या मसाफी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ भी मुसफी खून के हिसाब से नहीं दे रहा मैं, वो मिजाज की तादिल के हिसाब से बोल रहा हूँ। और एक हमारे एक पाउडर आता है जिसको हम मुंदमिल पाउडर कहते हैं, मुंदमिल पाउडर का ये है मुंदमिल बेहतरीन, उसके अंदर फिटकरी बिरिया और गौदंदी है, कोई भी जगह पे फंगस के लिए इतनी बेहतरीन रिजल्ट है, खाली उसको बोलो इसके ऊपर डाल दो, क्योंकि फंगस अगर मरहम लगाना अंडरवेयर पहनना तो ये उनके लिए मुश्किल होता है। तो ऐसी जगह पे आप एक काम करो, नहाने के बाद में अच्छे से पोंछ के ये मुंदमिल पाउडर अगर डस्टिंग किया कोई भी जगह पे, इट एक्ट एज वन ऑफ द बेस्ट 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 एंटी फंगल एजेंट। ओके बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारी एकेडमी 3 प्रोटोकॉल पर काम कर रही है, जैसे कि प्रॉपर रहनुमाई और बाकी क्वेश्चन के आंसर इंशाल्लाह ग्रुप पर मिल जाएंगे। 9335277765 पर आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हमारी एकेडमी 3 प्रोटोकॉल पर काम करती है, जैसे कि आपने बताया हमारी प्रॉपर रहनुमाई, दूसरे प्रॉपर बुक अवेलेबिलिटी, और तीसरे जैसे सर ने अभी बताया कि मुंदमिल पाउडर। अब अगर आज हम बात करते हैं कि हमारा हीलिंग नहीं हो रहा, तो आज हमें प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, अब ये प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन मुंदमिल पाउडर जब आपके पास होगा तभी तो हम लोग कहते हैं यूनानी जिंदाबाद। इसलिए हमने ये एकेडमी प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन के साथ जो रखी है उसका मेन मकसद ये है कि हमारे पास जब तक मुंदमिल पाउडर नहीं होगा तो हम अपने पेशेंट को रिजल्ट क्या देंगे। इसलिए हमारी 3 प्रोटोकॉल पर अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमी चल रही है, और उसका मकसद ये है कि प्रॉपर रहनुमाई के साथ, प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ बुक के साथ, और प्रॉपर मेडिसिन आपकी आपकी क्लिनिक पर किस तरह अवेलेबल हो, विद इन डे, विद इन 2 डे, विद इन 3 डे, ये हमारा पूरे यूपी के अंदर और इंशाल्लाह पूरे वर्ल्ड के अंदर एक प्रोटोकॉल चल रहा है। आप खुद भी इसमें जुड़िए और दावत दीजिए अपने यूनानी डॉक्टर्स को, अपने आयुष डॉक्टर को, और ये बताइए कि कंसेप्ट ऑफ यूनानी खाली बातों से नहीं होगा, कंसेप्ट ऑफ यूनानी हमारा तभी जिंदा होगा कि जब हम प्रैक्टिकली अपने पेशेंट को इस चीज को दे और उसका रिजल्ट हासिल करें। जब तक हमारे पास रिजल्ट नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि यूनानी जिंदाबाद।
आज तक हम लोग 25 साल से इस चीज को ये बात कर रहे हैं। मैं आपको इंटरप्ट करना चाह रहा अब्दुल्ला, ये जो आज का जो वीडियो है वो जरा अच्छे से इसको एडिटिंग करके डालना यूट्यूब में। अस्सलाम वालेकुम सर। अब्दुल्ला उसको एडिट करके डालना सर। हेलो, इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना देना सर। हाँ यस, वही मैं बोल, उसको एडिट करके डालो, क्योंकि मुझे इतना कॉल आते कि आपका जो लेक्चर सीरियस कहाँ मिलेंगे। मैं इनको नंबर भी देते लेकिन कुछ लोग क्या मालूम, तो वो ले कुछ तो फेसबुक में डालो, इसमें डालो आपकी लेक्चर, तो हम लोग को सुनना चाह रहे हैं। तो जरा अच्छे से आगे के पीछे से एडिटिंग करके जो अनवांटेड वो जरा जो वो कर रहा था अब्दुल्ला, अच्छे कर रहा था उसको, वो कर लेना अब्दुल्ला। ओके अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दें डॉक्टर साहब के साथ तो बेहतर रहेगा। हेलो, व्हाट्सएप ग्रुप है ऑलरेडी जी, किस नाम से सर? इसमें आज जो लोग हैं वो जुड़ सकते हैं क्या? डॉक्टर अलाउद्दीन 9335277765 पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं आप। आराम से बोलिए डॉक्टर साहब, वो लिख के सर। थैंक यू सर। हेलो जी, बताएं। अरशद हारून जी सर, सर एक पेशेंट था हमारे पास आया था, तो बहुत कहते हैं एलोपैथिक से परेशान था, तो उसको जो कंप्लेंट वो कर रहा था पूरा मसल्स पेन, जॉइंट्स पेन, और क्या नाम है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई थी। तो मैंने उसके कुछ जांचें कराई थी, तो जांचें एक अल्ट्रासाउंड कराया था, थायराइड कराया था और लिपिड प्रोफाइल कराया था। तो उसमें क्या कहते हैं जो रूल आउट हुआ, एक तो प्रोस्टेट की क्या कहते हैं साइज बड़ा हुआ था 27 cc, और क्या हाइपोटीएसएच बड़ा हुआ था 9.47 उसका, और ट्राइग्लिसराइड जो था वो 562 था और कोलेस्ट्रॉल 262। तो मैंने उसको ये 2 महीने पहले आया था, तो मैंने उसको चलाया था सफूब किसनीजी, हब्बे टिंकार और ये हब्बे अफजल और माजून सारस। तो उसके बाद आया था तो उसने, तो फिर हम 2 महीने बाद जब मेरे पास आया तो उसने फ्रीक्वेंसी तो कहते हैं कहने लगा ठीक है, यूरिन ठीक होने लगा, लेकिन जो उसके पेरिनियम में पेन होने लगा है, कहता है कि यहाँ पे खिंचाव जैसा महसूस होता है उसको। और जो फिर हमने उसको टीएसएच फिर कराया 2 महीने बाद, तो उसका फिर टीएसएच जो है बढ़ा हुआ है और बढ़ गया उसका। क्या करें उसके लिए? देखो अभी इसको टीएसएच अगर बढ़ गया और उसके पेरिनियल रीजन में अगर लोअर एब्डोमेन में अगर पेन हो रहा है, तो बेसिकली शायद उसको गर्मी की कोई ना कोई वजह हो सकती है। खाली आप एक काम करो, अगर पेशेंट डायबिटिक अगर नहीं हो रहा है सर, लोअर एब्डोमेन में पेन नहीं हो रहा, बट स्पेसिफिक क्या एरिया में हो रहा, पेरिनियम पे खिंचाव जैसा उसको महसूस होता है और पेन उसको बोलता है। अच्छा, उसको वेरिकोज का इश्यूज नहीं है ना? नहीं, वेरिकोज का इश्यूज नहीं है। अच्छा, चीज काम करो, उसमें देबिदुलवर्द ऐड कर दो। हां, देबिदुलवर्द सब दिया हुआ है, उसको चलने दो दवा, कोई प्रॉब्लम नहीं। खाली मांगते थे एक हब्बे टिंकार ऐड कर दो। हब्बे टिंकार भी चल रहा सर? बस सही है, फिर उसको चलने दो, सही चल रहा, नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम, उसे चलने दूं सर। लेकिन पेरिनियम पेरिनियम में पेन जो पहले जब आया था तो पेरिनियम में पेन कंप्लेंट नहीं कर रहा था खिंचाव, अब वो कंप्लेंट कर रहा है। कभी कभी वैक्यूम पेन, बहुत सारे जगह पे वैक्यूम पेन इधर का उधर जो सर्कुलेशन की वजह से पेन होता है, अगर सिम्टोमेटिकली अगर देखा जाए तो अपने को मुसक्किन एलम दवा देना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई सिम्टम कोई चीज अगर गैर तभी आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको एक मुलैन और मुदिर और मुसक्किन एलम मिल के दवा आते हैं, उसमें सुरंजान है और जाइए ये सब दे सकते हैं। माजून सुरंजान हेलो हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, वो एक पेशेंट है सर जो कि एक्जिमा ग्लूटियल रीजन प्लस लोअर बैक एंड इनर थाइस सब है सर, एंड द पेशेंट इज डायबिटिक। ओके, तो इसके लिए ओरली हम क्या दे सकते हैं सर? ओरली आपके पास अगर सफूफ खारिश अगर है, सफूफ खारिश रोगन कमीला में मिक्स करके लगाओ। अगर सफूफ खारिश एंड रोगन कमीला अवेलेबल नहीं है तो हर्मस ऑइंटमेंट, और उसके साथ ऑइंटमेंट आई हैड गिवन सर फॉर लोकल एप्लीकेशन, मैंने सफूफ खारिश रोगन कमीला में मिक्स करके लगाओ। ओके, एंड अबाउट सब्जम सर, सब्जम भी मैंने, सब्जम भी रिजल्ट मिलता है मिक्स करके, डायरेक्ट लगाने की जगह कोई ऑयल में मिक्स करके लगा सकते हैं। हाँ, ऑयल में मिक्स करके इंटरनली क्या दे सकते हैं सर? इंटरनली वही दे रहा हूँ मैं,
मैं दे रहा हूं, उसके साथ में सफोफ किसनीसी प्लेन जिसके अंदर शुगर नहीं, ओके और सफोफ उशबा उसमें भी शुगर नहीं, हाफ टीस्पून बीडी, ओके सर एंड कुर्स कुश्ता गौदंदी 202 काफी है। ओके सर ओके थैंक थैंक यू सर यू, सलाम अलैकुम, नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह सवाल और जवाब के साथ। आपका कीमती वक्त दिया, शुक्रिया बहुत बहुत, शुक्रिया।